ना समझो हम बड़े काम की चीज हो भैया, बड़े काम। अरे ओ रोहन भैया, अरे ओ रोहन भैया, अरे कौन है? और हम आपका कपड़वा लाए हैं। बे यार सीताराम, तू भी ना सुबह सुबह आके ना सारा दिन खराब कर देता है। कोई काम धंधा नहीं है क्या तुझे? रोहन भैया, ये कोई सोने का समय और है? क्या बार के 12 बज गए, अपने कपड़े तो देख लो। अरे देखना क्या, 20 साल से धुला रहा हूँ, अब इसको पहन ही लेता हूँ ना। अरे अरे ये टी शर्ट भी तो ले जाओ। अरे आप बिना रोहन भैया, ये रही दो टी शर्ट और ये रही दो। अरे लो। वाह रे रोहन भैया, इन्हें भी पता लग चुका है कि आपकी धर्मशाला 24 घंटा खुली रहती है। जय राम जी। अरे यार सीताराम, तू भी ना सुबह आके सारा दिन खराब कर देता है। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ पेमेंट बोलो, कितना है? 20 लाख चेक या कैश? 15 कैश, 5 चेक। ऑफिस बॉय लेके पहुंच जाएगा। हाँ लाखों की बात है ना, ये ऑफिस बॉय डील करता है। अगर करोड़ों की बात होती तो मैं डील करता। कौन सा नंबर चाहिए आपको? रॉन्ग नंबर भैया। सीताराम। हाँ भैया। कैसे कैसे फालतू लोग हैं, रॉन्ग नंबर पे इतनी लंबी बातें करते हैं। सो तो है, पता नहीं लोगों को टाइम कहाँ से मिलता है। 2 मिनट बर्बाद कर दिए, करोड़ों इधर उधर कर देता इतनी देर में। अरे रोहन भैया, तने की बात तो बताओ, आप धंधा कौन सा कर रहे थे? ए धंधा नहीं, बिजनेस बोलो, बिजनेस। धंधा करते हैं छोटे लोग, बड़े लोग करते हैं बिजनेस। अरे रोहन भैया, हाँ जब आपका बिजनेस सही हो जाए तो हमारा 300 रुपया चुका देना। 300 हो गया तेरा? हाँ भाई। अरे ये ले। ओहो, अरे जयराम जी की, रोहन भैया भगवान आपका भला करे। ये ले 500 रुपया, हमारे पास छुटा नहीं। अरे एडजस्ट कर लेना ना, वैसे भी कौन सा साल भर मिलने वाला तेरे को। धन्यवाद भैया, जयराम जी की। चलो भैया, अपना भी दिन शुरू होता है। बोल दीजिए ना प्लीज। देता हूँ, पहले धक्का तो मारो। क्या यार रोहन भैया, ये खटारा बदली कर दो ना। अरे करता हूँ मेरे बाप, चल धक्का तो मार पहले। चलो चलो चलो, चल धक्का लगा, चलो जोर लगा के लगाओ, जोर से। मिसेस लोबो, गॉड को बोल देना आज भी जल्दी में हूँ। गॉड इज ऑलवेज विद यू रोहन बेटा। क्या काजल, कैसी है? ठीक हूँ रोहन। अंकल के ऑपरेशन का क्या हुआ? अगले महीने की 5 तारीख को है। तू टेंशन मत ले, गॉड अना सब ठीक कर देगा। मैं आता हूँ अंकल से मिलने कल। थैंक्स रोहन। ओके बाय। व्हाट इज दिस? ये स्टे ऑर्डर है, आपको इस शॉपर्स रूम का कंस्ट्रक्शन बंद ही करना पड़ेगा। आप अपने आप को समझते क्या है? आप जानते हैं देव साहब को ऑलरेडी इस बात का पता चल चुका है और अब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, नो नो, आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट पॉसिबल। माथुर देव का, और ये काले कोट वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे रोहन साहब, वो मलकानी है ना साहब का पुराना पार्टनर, हाँ। उसने कोर्ट से स्टे ऑर्डर भिजवा दिए काम रुकवाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? मैंने साहब को पहले बोला था ये आदमी ठीक नहीं है, एक दिन काम अटका देगा। इसका मतलब देव वहाँ गया? हाँ, मर गए, हो गया काम। गोली।
देव, मिस्टर देव, हो क्या रहा है? मिस्टर देव, अरे रुको, क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या कर रहे हो यार? मिस्टर देव, मिस्टर देव, प्लीज स्टॉप दिस। अरे अरे रुक जा, मिस्टर देव, रोकिए इसे। अरे रोकिए इसे, मिस्टर देव, मिस्टर देव, प्लीज स्टॉप हिम। मिस्टर देव, रोकिए इसे। अरे स्टॉप मिस्टर देव, रिलैक्स। मिस्टर देव, मिस्टर देव, प्लीज प्लीज बैठिए, बैठिए आप, मिस्टर देव बैठिए। शॉपर जोन की पार्टनरशिप के लिए मेरी तरफ हाथ किसने बढ़ाया था? मैंने। सारे टर्म्स कंडीशन तय होने के बाद अपनी बात से पलटी किसने मारी? मैंने। तो अब जब मैं वो प्रोजेक्ट अकेले करने जा रहा हूं, उसमें रुकावट डालने का काम कौन कर रहा है? मैं। कुछ लीगल पेपर्स लाया हूं जिन पर मेरे मेरे साइन चाहिए। लाइए कर देता हूं। बिजनेस में ऊंचाई कमीनेपन से नहीं, कमिटमेंट पूरा करने से मिलती है। क्या ख्याल है? एकदम सही कहा आपने। आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब क्यों मारा मुझे? मेरा मतलब, अब तो मैंने साइन भी कर दिए। 40 मिनट, 40 मिनट वेस्ट हुए ऑफिस से आने में। ये लाफा उसके लिए था। मलकानी साइन कर ही नहीं सकता, और वैसे भी तू तो बहुत फेमस है ना। बोलता कुछ है, करता कुछ है। अच्छा, करता कुछ है, बोलता साइन कुछ कर है। नहीं सकता ना। तेरा तो कोई भरोसा ही नहीं है यार। Hey, time to celebrate, bro. Cheers. ये क्या कर रहा तू? ऑरेंज जूस पी रहा है? तुपका तुपका तो अरे पी यार।
sharada? Please tell me what is sharada? I don't know what is this sharada. नेहरा से सीख कर आया हूँ, देखते रहे भैया का ख्याल करता हूँ। फर्स्ट बॉल आउट, चल। अबे वो आशीष नेहरे बोलिंग करना, फिर देखते कौन क्लीन बोल्ड होता है आज, मैं या तू। तेरी लाइफ बना देता हूँ आज। मेरी छोड़ अपनी सोच। अरे यार। बॉल प्लीज संभाल ले भाई, सुना बहुत कुत्ते हैं वहाँ पर, नजर तो नहीं आ रहे। सॉरी, मैं तो सिर्फ बॉलिंग कर रहा था, शॉट मेरे दोस्त ने मारा, गलती है उसकी, ऐसे थोड़ी मारते हैं, खेलना ही नहीं आता उसे। खेलना नहीं आता? आपको मालूम है कि इस बॉल ने क्या किया है? देखिए ऐसे 10 दिन से लगी उस पेंटिंग को कंप्लीट करने में, क्योंकि कल ये पेंटिंग मुझे क्लाइंट को देनी है। आज ही दिए थे ये सारे फिनिशिंग टचेस मैंने आज दिए थे। अजीब किस्म के लोग हैं आप लोग, कहीं पे भी विकेट गाड़ के क्रिकेट खेलने लगते हैं। मैं तो सिर्फ, आपको कुछ ख्याल भी है कि आसपास लोग रहते हैं? इस वक्त मैं सॉरी बोल सकता हूँ। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या ये पेंटिंग ठीक हो जाएगी? हाँ, क्या मैं एक रात में इस पेंटिंग को फिर से बना लूंगी? कल ये पेंटिंग मुझे क्लाइंट को देनी है, ऊपर से मेरी माँ मेरा सर खा जाएगी। गॉड ओनली नोज मेरा क्या होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भगवान आपका भी बुरा नहीं करेगा। मैं बॉल ले लूं प्लीज?
थैंक यू सॉरी इडियट मेरी पेंटिंग सो मिसेस मेहता दिस इज योर पेंटिंग मेरी बेटी ने बड़ी मेहनत से बनाई है इजंट इट ब्यूटिफुल मिसेस मेहता कैसी लगी आपको हमारी पेंटिंग मिसेस बत्रा मैंने तो आपको व्हाइट नो मामा दैट्स सो ब्यूटिफुल इन फैक्ट कलर्स ने तो इस पेंटिंग में जान डाल दी है बट आवर क्लाइंट्स वाओ इट्स एडेड लाइफ एंड ब्यूटी टू द पेंटिंग मेरी बेटी जो भी काम करती है दिल से करती है आप मुझे इसी थीम और इसी लाइन पर 10 पेंटिंग्स और बनवा दीजिए आई एम श्योर मामा आवर क्लाइंट्स विल लव इट ब्रिलियंट सांझ मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया भगवान आपका भी बुरा नहीं करेगा देव हाँ दादी अगर तुमको ऑफिस से घर आकर कंप्यूटर पर ही बैठना था तो तुम घर आए क्यों हाँ जब देखो काम 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 ना खाने का वक्त ना पीने का वक्त ना कुछ और माथुर जी इसने दोपहर को खाना खाया था जी नहीं माथुर जी झूठ जी कम ऑन दादी और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी बड़बड़ का तुम पर असर पड़ने वाला है नहीं इस घर में एक बहू आ जाए ना वो तुमको डांट फटकार कर सीधा कर देगी मुझे ये भी पता है कि अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहूंगी तो ये काम होने वाला है नहीं इसलिए मैं रोहन को बोलूंगी कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ कर ले आए और मैं तुम्हारी यौन शादी करवा दूंगी I'm really sorry, Maria. Keep your faith in God. तुम्हारी मम्मी कहाँ है? She's there. Excuse me. अरे मैडम आप? मैडम नहीं, सांझ. मैं तो आपको सॉरी बोल चुका हूँ. नहीं नहीं, मैं तो आपसे खुद थैंक यू कहना चाहती थी. एक्चुअली उस दिन जो आपने कहा था ना बिल्कुल सच कहा था जब आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान मेरा बुरा क्यों करेगा आपको याद है वो पेंटिंग वो बॉल वाली हाँ वो क्लाइंट को इतनी पसंद आई कि मुझे उसी पेंटिंग के 10 ऑर्डर मिले अरे मुबारक हो आपको इसका मतलब 10 बॉले और फेंकनी पड़ेंगे मैं नहीं फेंकूंगा जी अच्छा ये बताइए आप मार्शल को कैसे जानते थे कौन मार्शल वही जिनका फ्यूनरल ओ नहीं नहीं मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था देखा तो शामिल हो गया वो क्या है ना इसी के दुख सुख में शरीक होने के लिए कोई रिश्ता होना तो जरूरी नहीं ना और मेरा क्या है मैं तो रास्ते चलती किसी भी बारात में शामिल हो जाता हूँ बड़ी शादी अटेंड किया मैंने अरे आप क्या सोचने लगी बड़ा अजीब हूं ना मैं अजीब नहीं बस दूसरों से अलग अपना तो यही है जी जिंदगी ऐसी जियो जो खुद को अच्छी लगे ओके सांझ बाय बाय Sadinia, this is what I call a perfect dream house. Mazur, ye Rohan aaj bhi aise hi lagta hai na? Very good, Mr. Dinia. My pleasure, sir. Very, very good. Mujhe aapka kaam bahut pasand aaya. Thank you. If you need me for anything, I'm available for you. Sure, thanks. Inke payment ka bandobast karna, Mazur. Sure, sir. Thank you again. Thank you. Goodbye. Thank you. Good, very good. Mazur. No more appointments, okay? I'm really Lekin tired. Lekin sir, Tao Art Gallery mein shaam ko aap ek exhibition attend karna hai. God, kitni baar kaha hai Mathur. Aise functions ke liye, theek hai. Zyada se zyada 10 minute rukunga main. Theek hai sir. Huh? Call them and tell them that. Right sir. Good. Mathur, itni barish mein program cancel nahi kar sakte the. Sir, wo barish ka to ab wo. ये बंबई की बारिश भी ना आई हेट रेन वेलकम मिस्टर माल्या नाइस टू मीट यू थैंक यू वेरी मच दीज आर फॉर यू दिस वे प्लीज श्योर ओह हियर इज मिस्टर माल्या
he's become so popular. Whoever becomes his life partner will be so lucky, you know. Sir, 2 more minutes. I know that you're in a hurry, Mr. Mallya, but I would like you to meet Mrs. Batra, owner of this gallery. Please. 2 minutes, sir. Meet Mrs. Batra, owner of Tawad Gallery. Nice meeting you, ma'am. Hello, Mr. Mallya. Thank you very much for coming. मैं जानती हूँ आपके पास आज वक्त नहीं है, but next time, please come with some little time. I would love to show you the paintings in my gallery. Sure. Thank you once again. Thank you very much for coming, Mr. Mallya. My pleasure, ma'am. Thank you. Martha, next time, you damn soft. I'm sorry. It's okay. It's okay. Excuse me. चलें सर. सांझ बेटा क्या हुआ? माँ वो मेरी डायरी बाहर रखी थी, मैं सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, कहीं नहीं मिल रही. आई थिंक मैंने कबर्ड में रखी होगी, उसकी चाबी आपके पास वो है. सब कुछ ठीक है सांझ बेटा, लेकिन ये बताओ तुम भीग कर क्यों आई? छाता क्यों नहीं लेकर आई? माँ तुम्हें तो पता है मुझे बारिश में भीगने का कितना शौक है. जब बारिश की बूंदे ठंडी हवा के साथ मेरे चेहरे को छूती है ना, तो कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है मामा की मैं बता ही नहीं सकती. जब बारिश की बूंदें हवा के साथ मेरे चेहरे को छूती है ना, तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती है कि मैं बता ही नहीं सकती. चल रहा जाने क्यों दिल मचल रहा, ख्यालों पे छाया ये कौन, निगाहों में आया ये कौन. चल रहा जाने क्यों दिल मचल रहा, जाने क्यों दिल मचल रहा.
डैड साहब सुबह सुबह नाश्ता करने आ गया तू आज भी दादी क्यों खिलाती हो इसको खा खा के इतना मोटा हो रहा है चुप कर तेरी नजर लग जाएगी इसे दादी इसे तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम है वो क्या है ना मैं आपके हाथ के बने पराठे खाता हूँ ना इसलिए जलता है जलता हूँ मोटे अरे तू छींक क्यों रहा है हाँ कल रात को तू भीग कर आया था ना लेकिन तुझे तो बारिश से नफरत है तू भीगा कैसे क्या करता दादी उसने कहा चलो भीगते तो मैंने कहा चलो भीगते अब मैं उसकी बात को कैसे टाल सकता था उसकी ये उसकी कौन है ऐश दादी कौन ऐश ऐश ऐश्वर्या राय दादी हिंदी फिल्म एक्ट्रेस कम ऑन ऐश्वर्या राय वो तुझे कहाँ मिल गई बस यूं ही टकरा गई मैंने उसकी कुछ फिल्मों की तारीफ की तो खुश हो गई और कहने लगी Dave, we've got to go for dinner. Got to go for dinner. Phir? Dinner, Lali. Tart, Golden Dragon, aur uske baad walk, Gateway of India. Barish mein? Ab wo karne lagi. Mujhe manna to padega hi na. Phir? Phir gaya. Usne jid ki. Coffee peene chalte hain. Dave, tum coffee kahan peene gaye hai? कॉफी का भी यार नींद खुल गई सपना टूट गया लो तेरा भी जवाब नहीं है तू आदमी गलत होना वन इन अ मिलियन है तू कब क्या बोलता है क्यों बोलता है पता ही नहीं चलता ऐसा क्यों है रे तू तेरे मन में कुछ होता है तू बोलता कुछ और है और तुझे पता है कि तेरी इस आदत से कितनी बार बखेड़ा खड़ा हुआ है ओ दादी क्यों परेशान होती है तू कल रात में क्यों भीगा कुछ ही दिनों में तुझे पता चल जाएगा क्योंकि बहुत जल्द मैं तुझे खुश करने वाला हूं दरअसल कल मैं जरा जल्दी में था इसलिए ठीक तरीके से बात नहीं कर सका नाइस प्लेस मिस बात्रा प्यारी और खूबसूरत चीजों से हमेशा घिरी रहती हैं थैंक यू ये फेंगशुई की चीज है अगर इसे अपने कामकाज के जगह पर रखेंगे तो आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी गुड तब तो आप मुझे ये जरूर दीजिएगा अब मुझे इसकी जरूरत है आई विल जस्ट पैक इट अप फॉर यू आर्मिन Yes, ma'am. Please pack this up for Mr. Mallya. Sure, ma'am. I think you've got great interiors. Aapke interiors bahut khoobsurat hai. Very artistic. Thank you. Ye sara interiors mere daughter ne kiya hai. You mean Sanj? Yes. Oh. Aapki beti interior designer hai? She wants to make her career in the same profession. Great. Aapne to meri mushkil hi aasan kar di. Haal hi mein maine ek property liya hai. Jahan main apna dream house banana chahta hu. Soch hi raha tha. इंटीरियर्स का जॉब किसको दो सर वो राइट राइट सर अब ये काम सांची करेगी थैंक यू मिस्टर मालिया माय डॉटर इज रियली लकी जो आपने उसे अपने काम के लिए चुना ना 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 शी डिजर्व्स इट आर्थर गिव हर द कार्ड जी आप सांच को कल वहां भेज दीजिएगा शी विल बी देयर टुमारो एम्प्टी सर Absolutely empty. ड्रीम हाउस सारा खाली करवा दिया है और नया फर्नीचर फिर से पैक करवा के गोडाउन्स में रखवा दिया है अब तो उस घर को देख के कोई कह नहीं सकता सर कि कभी इसका इंटीरियर भी हुआ था गुड कल से सांझ मैडम वहाँ काम करेंगी जी शर्मा को वहाँ अपॉइंट कर दो सांझ मैडम को किसी भी चीज की जरूरत हो तो फुलफिल इट ऑन प्रायोरिटी यू गेट इट श्योर सर हेलो हाँ मिस्टर बात्रा अरे नहीं नहीं मिस्टर बात्रा ये सांझ का पहला जॉब है उसे फील अच्छी मिली अरे माथुर जी दादी ये ड्रीम हाउस का इंटीरियर हो चुका है ना जी दादी ये सांझ कौन है वो सांझ मैडम वो इस ड्रीम हाउस का इंटीरियर दोबारा करेंगी दादी ड्रीम हाउस का इंटीरियर दोबारा से मैडम करेंगी जी माथुर सब ठीक तो है ना लगता तो नहीं दादी डाल डाल भर के डाल जरा जी लाल चटनी हाँ जी ये लीजिए ये बनाई ना बेल सांझ ओ हाय आप यहाँ
हाँ मैं वो जरा गुरुद्वारे आई थी। अच्छा। तुम भी क्या गुरुद्वारे? नहीं नहीं मैं तो भेल खा रहा था, गुरुद्वारा तो मैं सिर्फ सोमवार को आता हूँ। आप खाएंगी? नो थैंक्स। बहुत बढ़िया बनाता है ये। नहीं एक्चुअली वो जरा मैं आज जल्दी में हूँ, किसी और दिन से ही। क्या बात है, आप कुछ नर्वस दिखाई दे रही है। वो आज मुझे बहुत बड़े बंगले के इंटीरियर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये स्केचेस उन्हीं लोगों को दिखाने जा रही हूँ, अगर ये अप्रूव हो गए तो मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अप्रूव हो जाएगा, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप कभी किसी इम्तिहान में फेल हो ही नहीं सकते। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो गया समझो। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। आप यहीं ठहरिए सांजी, वो क्या है ना, मैं दूसरों के लिए बड़ा लकी हूँ, अगर मैंने आपका रास्ता काट दिया ना तो आपका काम पक्का समझिए। आप यहीं ठहरिए। आइए अब बैठिए। आप फिक्र ना करें, काम हो जाएगा। अरे अरे अरे, रोहन नाम है मेरा, गुड न्यूज देना मत भूलिएगा। मैं इधर ही रहता हूँ यारी रोड पे, किसी से भी पूछ लेना, बहुत फेमस हूँ। ओके गुड लक, बाय। सर आपका घर और लोकेशन बहुत खूबसूरत है, बट सर आई एम सॉरी टू से, जस्ट गिव्स द फील ऑफ अ फाइव स्टार होटल। या ट्रू ट्रू, एंड इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कुछ डिजाइन तैयार किए हैं। होने लगा है मुझे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा सांझ, मुझे आई एम सॉरी मिस सांझ, मुझे पूरा यकीन है कि आप जो भी करेंगी बहुत अच्छा करेंगी, मेरा ड्रीम हाउस आप ही बनाएंगे। या यू कैन स्टार्ट द वर्क। थैंक यू सो मच मिस्टर मालिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। से मिलना है? हाँ लेकिन आइए आइए, ये ताला तो ऐसे ही लगा है, ये घर तो धर्मशाला की तरह 24 घंटे खुला रहता है। आइए आइए। रोहन भैया आपसे कोई दीदी मिलने आई है। उप्स। अरे आप, मैं तो आपको गुड न्यूज देने आई थी, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वो तो मिलना ही था आपको, मैं तो पहले ही कह रहा था। रोहन भैया चलो ना खेलने। नहीं नहीं तुम जाओ। चल पप्पू, लगता है आज रोहन भैया की सेटिंग हो गई है। चलो 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 चलो, बहुत शरारती बच्चे हैं, कल 2 घंटे फील्डिंग कराई, मेरी बैटिंग आई तो सब भाग गए, बहुत बदमाश है। अरे आप खड़ी क्यों, बैठिए ना। ए, ए, नहीं, 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 नहीं। एक मिनट, एक आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। आपने उस दिन बिल्कुल ठीक बात कही, वाकई आप दूसरों के लिए बहुत लकी हैं, आपने मेरा रास्ता काटा और मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, मेरे रास्ता काटने से थोड़ी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो तो जो आपने गुरुद्वारे में मत्था टेका था उसी का फल है। बाय द वे आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? आई थिंक आई विल हैव कॉफी। कॉफी, ग्रेट। आपके घर का स्ट्रक्चर काफी पुराना लगता है। हाँ, बाप दादा की प्रॉपर्टी है, मकान बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ यही एरिया इस्तेमाल करता हूँ। कई बिल्डर इसे तोड़ के यहाँ एक टावर बनाना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, अगर यहाँ टावर बन गया तो इन बेचारों का क्या होगा। थैंक यू। आइए बैठिए। आउच,
अरे 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 अरे, इसका इलाज है मेरे पास। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आइए आप बैठिए। आप ये कुर्सी बदल क्यों नहीं देते? मुझसे कई लोगों ने कहा इसे बदल दो, मगर क्या है ना, इतने सालों से हम एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक रिश्ता सा बन गया। अब आप ही बताइए, माँ बाप जब बूढ़े हो जाए, उनके हाथ पैर काम करने बंद कर दें, क्या हम उन्हें बदल देते? नहीं ना। आप मेरी बातों में मत उलझिए, मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ। मैं उलझ नहीं रही हूँ, समझ रही हूँ। वाकई आपकी बातों में काफी सच्चाई है। कमाल है, आप ही हैं जो मेरी बात समझ रही हैं। लगता है हमारे रिश्ते बहुत दूर तक जाने वाले हैं। आपने बताया नहीं कॉन्ट्रैक्ट किसका मिला है? Well, अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अच्छा, मिस्टर देव माल्या। देव माल्या, क्या लंबा हाथ मारा है आपकी तो लाइफ सेट हो गई। एनीवेज, चीयर्स। चीयर्स। अरे कोई मैडम को फोन करो यार, अंदर काम रुकवा दिया है। अरे शर्फू, ये काम क्यों रुका हुआ है? अंदर कोई साहब आए हुए हैं, उन्होंने काम रुकवा दिया। कौन साहब? पता नहीं मैडम। चलो सब काम बंद करो। Who told you to start this work? Come on, I want this place empty. Come on, सारा सामान बाहर ले जाओ। Out, out, out. मेरी परमिशन के बगैर ये काम शुरू कैसे हो गया? आपको मालूम नहीं, ये प्लॉट फाइनलाइज मैंने किया था। इस सारे घर का डिजाइनिंग मैंने किया है। और ये इंटीरियर डिजाइनर है कौन? सर वो सांझ मैडम है, सांझ बत्रा। कौन सांझ बत्रा? उसने आज तक किया है क्या है? मुझे मालूम नहीं सर। तुम्हें मालूम नहीं? तुम्हें मालूम नहीं तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम बाय द वे हो कौन? सर वो कारपेंटर। कारपेंटर, सूटेड बूटेड कारपेंटर। अगर तुम्हारी ये हालत है, तुम्हारी डिजाइनर का क्या हाल होगा? नहीं सर, मैं कारपेंटर नहीं हूँ, मैं कारपेंटर को यहाँ छोड़ने आया था। कारपेंटर नहीं हूँ? एक मिनट, क्या तो कारपेंटर हो, एक मिनट, क्या तो कारपेंटर नहीं, तुम हो कौन? सर मैं पीए हूँ सर। पीए? शक्ल से पीए लगते हो। एक्सक्यूज मी सर, मैं वो वाला पीए नहीं, मैं वो वाला पीए हूँ, यानी देव माल्या साहब का पीए हूँ, और उनके कहने पर कारपेंटर को यहाँ छोड़ने आया था। मैं खुद कारपेंटर नहीं हूँ, और मेरा नाम गिरीश माथुर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर। तुम जान ही नहीं सकते जिस आदमी को अपना नहीं मालूम कि वो कारपेंटर है या कारपेंटर नहीं है, पीए है या पीए नहीं है, उसको इस घर के बारे में क्या मालूम हो सकता है? प्लीज किसी को लाइए जिसे कुछ मालूम हो और जो पीए ना हो। सर वो आ गए सर, उनसे बात। कौन कौन है आप? क्या नाम है आपका? सांझ बत्रा। मुझे तो लगा कोई एक्सपीरियंस डिजाइनर होगी, आप तो काफी यंग लगती है। By the way, किया क्या आपने आज तक? वो मैंने अपना ऑफिस डिजाइन किया था, मिस्टर माल्या ने वही देखकर अप्रूव। मिस्टर माल्या को क्या मालूम है आर्ट के बारे में? उसको तो ये भी नहीं मालूम आर्ट किस चिड़िया का नाम है। He only knows one thing, how to make money, money, money. ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं टाइम पे आ गया, वरना इस घर को वो 5-star होटल में कन्वर्ट कर देता। उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। क्या नाम बताया आपने अपना? सांझ। सांझ बत्रा। आपके माथे में ये पसीना क्यों आ रहा है? मालूम है आपको आपके माथे पे पसीना क्यों आ रहा है? क्योंकि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको बगैर किसी एक्सपीरियंस के मिल गया है। मालूम है आपको मैं क्यों डांट रहा हूं? आपको मालूम है मैं कौन हूं? आपको मेरी एक्टिंग कैसे लगी? यही तो प्रॉब्लम है जी। इतने डायरेक्टरों के पास गया, हर डायरेक्टर ने यही कहा कि तुम्हारी शक्ल किसी एक्टर से नहीं, किसी क्रिकेटर से मिलती है। क्यों माथुर? रोहन रोहन के बच्चे, मैं अभी दिखाती हूँ। रोहन, तुमने ऐसा क्यों किया? रोहन, तुम्हें पता है ये मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट था, मैं कितनी डरी हुई थी। स्टूपिड डॉग, मैं कितनी डरी थी। आई हेट यू रोहन, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। कितना डरा दिया मुझे। अरे देव, देव आ गया। आजा आजा देव। आज मैं बहुत खुश हूँ यार। क्यों यार, तूने बताया नहीं क्यों खुश है इतना? आज का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। हाँ ये तो है, हवा में मीठी सी ठंडक है और चांद की रोशनी में अजीब सी खुशबू। देव बस बस ऐसी बातें मत किया कर यार, मैं डर जाता हूँ। अरे यार इसमें रहने की क्या बात है यार, डरता है तू यार। अजय एक बात बता, क्या नाम है? रोहन। रोहन, रोहन एक बात बता, तेरे और सांझ के बीच कोई चक्कर तो नहीं है ना? चक्कर? कोई चक्कर वक्कर नहीं यार, एक दो बार मिले यार। श्योर ना? श्योर। श्योर ना? श्योर यार। श्योर ना? तू क्यों पूछ रहा है? बस यूं ही देख रहा था कि मेरा बचपन का दोस्त मुझसे सच तो बोल रहा है ना। तो सच तो बोल रहा है ना रोहन? बस भैया बस, यही रुको।
कन्या, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, चल हट अभी मेरे रास्ते से। पागल हो गई तू? इतना बड़ा सेठ है, खुश हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। मुझे कोई लाइफ सेट नहीं कर, समझा? चिल्लाती काहे को कन्या पे, नाच के कितना कमाती है मालूम है मेरे। एक सेठ का दिल आ गया है तेरे को। एक बार बोला समझ में नहीं आता क्या? मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए, समझा? पैसे का तंगी है तेरे को, इसके वास्ते हेल्प कर रहा है मैं, वरना बहुत छोकरी लोग है सिटी में, मालूम है ना? तो फिर जा ना, जाकर मर उन छोकरियों के साथ, मेरी जान क्यों खाता है? क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? रोहन, रोहन, ये मुझे जबरदस्ती। अरे अब चलना, तेरे लिए क्या बैंड बाजा लाएगा मैं, बाहर में नाचती है इधर नाटक करती है साली, चल। ए! ए! कौन है बे? क्या बे? हा? तेरा मंगनी वाला क्या, बताया नहीं तू मेरे को? क्या बे? अबे! बताता है तेरे को भी। चल चल। हाँ जी सर, एक यहाँ पे सैन। बस सर, हो गया। हाँ हो गया, हो गया। पैसे वाला इस करके छोड़ रहा है उसको। अच्छा पै माया, ओए कदम, क्या मैं रॉन्ग बोला? मैं ले जा इसको अंदर और चंगी तरह तोड़ इसको। कमाल है, इस शहर में पुलिस का खौफ ही नहीं है लोगों को। ओए हम पंजाब से हैं, जहां पुलिस का नाम सुन के पैंट गीली कर देते हैं लोग। सॉरी सर, एक साइन और रह गया, बस एक। थैंक यू। सॉरी माल्या साहब, आपको आधी रात को तकलीफ दी, वेरी सॉरी, सब ठीक हो गया। आइए आइए। जमानत का सारा काम बिल्कुल कानूनी तरीके से पूरा हो गया, अब ना कोई रोहन साहब को तकलीफ, ना कोई मेरे ऊपर उंगली उठा सकता है। खुशवंत तो चाहता है कि हर आदमी खुश रहे, हैं जी? क्यों जी? वैसे रोहन साहब, आपको ना ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। वो है क्या ये कंजर? दल्ला है, दल्ला लड़कियां सप्लाई करता है। वो कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन ऐसे कंजरों के लिए तो बना है। आप तो खानदानी लोग हैं, हैं जी? सही है ना जी? हैं जी? आगे कोई भी खिदमत हो, कोई भी सेवा, खुशवंत चड्डा। थैंक यू चड्डा साहब, थैंक यू, थैंक यू। चलो वो निकालो उस दल्ले। रोहन, थैंक यू। ओके बाय। बेवजह किसी के लिए भी अपने आप को तकलीफ में डाल देता है। अरे अपनी बस्ती की लड़की है यार, बाहर में नाचती है तो क्या मतलब है, कोई भी जबरदस्ती करेगा क्या? तेरी भी फिलॉसफी लाइफ की रहने दे यार। कमाल ही है भाई, चल। दादी दादी, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की जो आपको सांझ के बारे में बता दिया। मैंने सोचा था कि आपको बहू की खुशखबरी दूंगा और आप खुश हो जाएंगी। क्या मालूम था कि आपको खुशखबरी देते देते मैं खुद ही फंस जाऊंगा। अगर देव साहब को मालूम हो गया ना कि सांझ जी को दफ्तर की जगह घर मैंने बुलाया है, तो मेरी नौकरी तो गई। चुप, तुम क्या चिंता करते हो, मैं हूँ ना। इतना बताओ कि वो आ रही है या नहीं। अरे बिल्कुल आ रही है। क्या ये दादी, वो तो आ गई। दादी संभाल लेना। अरे संभाल लूंगी, पहले उसे अंदर तो बुलाओ। मैं जाता हूँ। जाओ। अच्छा जाता हूँ ना। आइए आइए, वेलकम, आइए। वो मिस्टर मालिया। हाँ मालूम है, दादी को मालूम है। दादी, देव साहब की दादी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। दादी सांझ। आओ बेटा बैठो। आई बैठी। लड़की तो बहुत सही पसंद की है देव ने। जी जी दादी, वो कहना है कि लड़की के टच से तो इंटीरियर्स का रंग ही बदल जाता है, फिर चाहे वो ड्रीम हाउस हो या घर हो। वो एक्चुअली मिस्टर मालिया ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, लेकिन फोन आया कि हाँ वो क्या है कि वो ऑफिस लेट पहुंच रहा था, वो मीटिंग में है। एक्साइज वालों के साथ मीटिंग है उनकी आज। अच्छा बेटा क्या लोगी, चाय या कॉफी? जी कुछ नहीं आंटी, थैंक यू। आंटी मत कहो, दादी कहो। जी दादी। बेटा पहली बार घर में आई हो, कुछ ना कुछ तो लेना होगा। आई लव कॉफी। तो ठीक है, किचन में जाओ और कॉफी बना, तो बनाना, मैं भी पीऊंगी। जी क्यों, तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती? आती है। तो फिर क्या, कॉफी बनाओ और हमें भी पिलाओ। माथुर जी, इसे किचन में ले जाओ,
और जो भी कुछ चाहिए बहू को। भाऊ को, भाऊ को तो छुट्टी दे दी ना आज। भाऊ अपने किचन के इंचार्ज, लेकिन भाऊ की जरूरत क्या है? दादी मैं हूँ ना, जो कुछ सांजी को चाहिए मैं देता हूँ। आइए आप। आइए आइए। बेटा जी। बेटा सुनो, मंदिर में मेरा चश्मा पड़ा है, जरा जाके ले आओगी? हाँ वहीं पे। Nice shoes. अरे पागल, मैं जूतों की नहीं संस्कारों की बात कर रही हूँ। देखा, मॉडर्न होते हुए भी कितनी श्रद्धा रखती है भगवान में। You're right. दादी, चश्मा। थैंक यू बेटा। आइए। माधुरो, मेरा चेकबुक। दादी। सांझ, तुम यहाँ? देव, मैंने ही से बुलाया है। सांझ, make 3 cups of coffee and make 1 strong. देव likes his coffee strong. This way, madam. आइए। दादी, तुम भी ना दादी। मान गए तुम्हें? बहुत अच्छी लड़की पसंद की है तुमने। मुझे बिल्कुल ऐसी बहू चाहिए थी। कहाँ मिली तुम्हें? जी जी, वो रोहन ने मिलवाया था। बहुत बड़ा काम किया है उसने मेरा। सामने होता ना तो माथा चूम लेती उसका। आ, अब तेरा माथा चूमती। श्योर। मेरे सपने पूरे कर रहा है ना? ऐसी बहू आ जाए ना घर में तो ये घर रोशन हो जाए। सब क्या कर दिया? अच्छे खासे घर का नक्शा ही चेंज कर दिया। घर तो तुम्हारा अच्छा खासा है, लेकिन तुमने पूरे घर को गोडाउन बना के रखा हुआ है। कोई भी चीज कहीं पे भी पड़ी रहती है। अजीब तरीके से जिंदगी जीने की आदत डाल रखी है तुमने। तुम खामखाई मेहनत कर, दो चार दिन में फिर वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। ये घर जैसा दिख रहा है ना, वैसा ही रहना चाहिए। अरे, घर साफ सुथरा हो तो मन भी खुश रहता है। अपना मन तो वैसे ही खुश रहता है। तुम तो अपने लिए ना कमाल के हो। कल को तुम्हारी जिंदगी से कोई लड़की जुड़ेगी तो कैसे एडजस्ट करेगी बेचारी? और कोई कर भी ले, मैं नहीं करने वाली। अब तुम ये मत कहना कि ये बात अनजाने में तुम्हारे मुंह से निकली, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात तुम्हारे दिल से निकली। मेरी बाहों में तेरी,
दुनिया है मेरी। ख्वाबों में भी मुझे अपने बसाया तूने। हो लाइट को भी आज ही जाना था। मेरे साथ हमेशा ही ये होता है, जब भी कोई अच्छा काम करने लगता हूं ना कोई गड़बड़ हो जाती है। लेकिन कभी कभी गड़बड़ का अपना ही मजा होता है। अब देखिए ना, हमने सोचा था कि कैजुअल डिनर करेंगे और हो गया कैंडल लाइट डिनर। वाह, कैंडल लाइट डिनर, क्या बात है, कमाल है रोहन, इतना खास मौका और तूने मुझे बुलाया तक नहीं। अच्छे दोस्तों खुशियां बांटकर और भी खुश होते हैं, क्यों सांच? Am I right? Right ना? देव ये सब अच्छा। तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि तुम दोनों की जिंदगी में प्यार के चिराग जल उठे। मैं समझ रहा हूं कि तुम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो। कम मैं गलत तो नहीं समझ रहा ना? वाह दोस्त, तेरी दोस्ती की अदा देखकर मजा आ गया। बचपन से लेकर आज तक जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां हमने साथ बांटी है। जब भी हमें कुछ मिला या हमने कुछ खोया, कितनी बेचैनी होती थी एक दूसरे को बताने की। लेकिन आज तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छुपाई। देव ऐसी बात नहीं है। ओह शराब एंड लिसन टू मी। यह जब भी मैंने तुझे सांझ के बारे में पूछा, तूने हमेशा कहा हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। कहा था कि नहीं? हाँ, कहा था कि नहीं? हाँ कहा था, मगर तब कुछ। तब क्या तेरा मतलब है तब कुछ नहीं था और अब सब कुछ हो गया? जानता है रोन, जानता है उस दिन तेरे मुंह से सच क्यों नहीं निकला था? क्योंकि तुझे कुछ दिन और जीना था।
अगर तू उस दिन बोल देता कि तू सांझ को प्यार करता है, मैं तुझे उसी दिन गोली मार देता। देव तुम ये सांझ, सांझ प्लीज यू स्टे आउट ऑफ दिस। देव मुझे कुछ कहने दो। कुछ सुनना नहीं चाहता मैं, कुछ सुनना नहीं चाहता। सांझ से मैं प्यार करता हूं, बेइंतहा प्यार करता हूं। I'm crazy about her। तूने मेरा प्यार मुझसे छीन कर अच्छा नहीं किया रोहन। कांगड़ा धड़कने तेज हुई तेरी, सांसें रुक गई ना? God, Sanj, ऐसे ऐसे डरपोक और लल्लू के साथ तुम अपनी जिंदगी गुजारोगे? क्या हुआ? क्या यहाँ थे, तूने तो जान ही निकाल दी। निकाल दी ना, कमें ब्रो। Sanj, तुमने एक हीरा चुना, हीरा। कमें Welcome to the family, lady. All the very best to the two of you, yeah? Dadi! Dadi! देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, आपकी होने वाली बहू। अरे चुप, तू क्या इसे लाएगा? सांझ आओ बैठो। अरे बैठो तो सही, मैंने तो इसे कब से अप्रूव कर रखा है। रोहन, बहुत अच्छी बहू चुन के लाया तू मेरे लिए। थैंक यू। और सांझ, तूने भी जिसे चुना है ना, वो लाखों में एक है। अरे लाखों में क्या, ईश्वर ने तो ऐसा दूसरा बनाया ही नहीं है। वैसे है बहुत अच्छा, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है ना, तो बस बहुत संभालना पड़ेगा तुझे। और जिद्दी भी है, अगर जिद पकड़ ली ना, तो अपनी जिद मनवाने पे अड़ जाता है। और बेटा, एक बात तुझे और संभालनी होगी, कभी कोई बात दिल पे लग जाए ना, तो भूलता नहीं है, सालों साल नहीं भूलता। दरअसल बचपन में दुख बहुत देखे हैं। मैं भले ही बहुत प्यार दुलार देती हूँ, लेकिन माँ बाप का प्यार तो माँ बाप का ही होता है ना। क्या बात कर रही हैं दादी, आपने हम दोनों को इतना प्यार दिया है, माँ बाप की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। और दादी का प्यार नंबर वन इन द वर्ल्ड। वो क्या है ना दादी, आज मैं और सांझ आपसे आशीर्वाद लेने आए। आशीर्वाद के बच्चे, साला हमेशा प्लान बिगाड़ता। नो सेइंग नथिंग। दादी रोहन है, रोहन है ना दादी, हमेशा मेरा प्लान बिगाड़ता है। दरअसल मैं आपको परेशान करना चाहता था, जानती हो मेरा प्लान क्या था? मैं सांझ को आपके पास लाता और आपसे कहता कि सांझ मेरी पसंद है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। फिर बाद में आपको बताता कि सांझ मेरी नहीं, रोहन की पसंद है। दादी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दादी मजा आता ना? दादी हाँ मजा आता ना दादी? Hey Sanj, come here, lady. Daddy, by the way, look, they're made for each other. Dev. Daddy. Dev. कुछ मत कहना Daddy, please. Daddy, तुमने ये कहा था ना कि तुम Sanj को बात चाहती हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बहू सोची थी तुमने? हाँ। तो फिर आज अगर उसकी शादी रोहन से हो रही है तो क्या हुआ? बहू तो तुम्हें मिल गई ना? दादी देखो, आज अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि हम दोनों में तुम किसे ज्यादा चाहती हो, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा ना?
हमारे लिए तो हमारे तो यही खुशी की बात है कि रोहन को उसकी खुशी मिल गई। सारी चीजें भुलाकर शादी की तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे अरमान पूरे करने हैं मुझे, एक ही तो भाई है मेरा। रोहन, अरे रोहन, अरे सांझ तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अरे यार वो देव ने कहा था कॉफी डे कैफे डे, क्या है उसके सामने खड़े रहने को, शाम से खड़ा हूँ। देव ने बोला? उन्होंने तो मुझे ड्रीम हाउस में बुलाया था। ड्रीम हाउस? हाँ। अरे कमाल आदमी है यार। अच्छा चलो कम, लेट्स गो टुगेदर। चलो चलो चल बाहर निकल, बाहर निकल। पैसा नहीं है जेब में और लड़ी इस बार में मजा करने आता है, चल निकल यहाँ से। चल ठीक है ना, जा रहा है ना। इससे गंदी जगह नहीं मिली थी तुम्हें खड़े होने को क्या? मेरे को कैफे डे के सामने खड़े होने को बोला था, वहीं तो खड़ा था। अच्छा छोड़ो ये सब, मैंने मम्मी से तुम्हारे बारे में बात की थी और उन्होंने कल तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया। ऐसे कैसे इनवाइट किया, मेरे से पूछना तो चाहिए ना। मतलब? अरे एक आध दिन तो चाहिए ना तैयारी के लिए। तुम्हें कौन सी तैयारी की जरूरत है, जैसे हो वैसे ही चले आना। अरे मैं अपने लिए नहीं तुम्हारी मम्मी के लिए कह रहा हूँ। वो क्या है ना कि मुझे खाने पीने का बड़ा शौक है। रोहन बस 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 आंटी ये लो। थैंक यू। माँ आपको पता है रोहन और मिस्टर मालिया बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी दोस्ती तो इतनी पुरानी। मैं समझ गई बेटा, तुम मुझे बता चुकी हो और मिस्टर मालिया जैसे लोगों के काफी दोस्त होते हैं, इसमें इतने एक्साइट होने वाली कौन सी बात है। हाँ तो मिस्टर रोहन जी, आप शहर में कहीं भी किसी भी वक्त आसानी से मिल जाते हैं, अपने इतने बिजी शेड्यूल से आप घूमने फिरने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? और बाय द वे बिजनेस क्या है आपका, क्या करते हैं आप? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा रायता पास करेंगे प्लीज। थैंक यू। वो क्या है ना, मेरे नेचर के साथ कोई बिजनेस मैच ही नहीं करता। एक बिजनेस शुरू किया था लेकिन जब वो बंद हो गया ना तब रियलाइज किया कि गलत बिजनेस में हाथ डाल दिया था। वो क्या है ना आंटी, आजकल कोई ईमानदारी की भाषा ही नहीं समझता, हर बिजनेस झूठ और धांधली के दम पे ही चलता है। अब देखिए ना, बाजार से आप गुड़ उठाइए, उस पे चांदी का वर्क लगाइए, एक अच्छे से शोकेस में रख दीजिए और एक बढ़िया सी मिठाई का नाम दे दीजिए तो 10 गुना दाम में बेच सकते हैं, और अगर किसी क्रिकेटर या फिल्म स्टार को खाते दिखा दीजिए तो 100 गुना दाम में बेचिए। वैसे मैं सही बताऊं पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, जो ट्रस्ट से आता है बहुत है मेरे लिए। वो क्या है ना, जिन चीजों से मुझे खुशियां मिलती है ना वो ज्यादा महंगी नहीं है। लोग अपनी खुशियों के लिए डिस्को जाते हैं, बियर बार जाते हैं, पैसा लुटाते हैं, मैं दिन भर तालाब के किनारे बैठकर मछलियों को आटा खिलाकर उसी में खुशियां ले लेता हूँ। अपनी तो लाइफस्टाइल ही बिल्कुल सिंपल है। मिस्टर रोहन, लाइफ स्टाइल से नहीं चलती, उसके लिए कुछ काम काज करना जरूरी होता है। वैसे बेकार रह के जिंदगी गुजारने का मेरा भी कोई इरादा नहीं। वो क्या है ना, मेरी प्रॉब्लम दरअसल आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ मिस्टर रोहन। जिंदगी में कामयाबी लाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, लाइफ में डिसिप्लिन लानी पड़ती है, और इन दोनों क्वालिटीज का आपसे दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। ये गलत है, वो गलत है, इसी तरह की शिकायतें लेकर आप लोग पूरी जिंदगी बेकारी में निकाल देते हैं। मम्मी, आप जिस तरह की टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी जी रहे हैं वो अभी तो ठीक है, लेकिन जब वक्त निकल जाएगा और कुछ बनने की उम्मीद खत्म हो जाएगी तब आप फ्रस्ट्रेशन में आकर किसी नशे में जुड़ जाएंगे, और आगे क्या होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लो स्वीट, लो। थैंक यू। सांझ का हाथ में उस इंसान के हाथ में देना चाहती हूँ जिसकी अपनी पहचान हो, और अगर एक माँ अपनी बेटी के फ्यूचर और सिक्योरिटी के बारे में ऐसा सोचती है तो मुझे लगता है कि उसका सोचना गलत नहीं है। Am I right, Mr. Rohan? जी बिल्कुल राइट, आपने समझा दिया, मैं समझ गया। वैसे आपके समझाने का अंदाज बहुत अच्छा लगा, लोग डांट के बिठा के रुला के हंसा के समझाते हैं, आपने तो खिला पिला के समझा दिया। बाय द वे थैंक्स फॉर द डिनर, बाय सांझ। माँ ये सांझ, ये जरूरी था।
रही थी। कन्या नाम है मेरा, समझी? मिस्टर माल्या, मजबूरी है। ऐसे केस में हम कोर्ट की परमिशन के बगैर किसी को मिलवा नहीं सकते। अब आपको ऐसा कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कानून का काम कानून के हिसाब से चलेगा, है जी? ठीक है ना जी? और मिस्टर माल्या, वो केस भी ये छोटा मोटा नहीं है। वो मर्डर किया उस लड़के ने, बॉडी भी मिल गई है, शिनाख्त भी हो गई है। क्लब में डांस करती थी वो लड़की, मेहंदी बार में। ओके 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 ओके, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। खुशवंत चड्डा यार, हाँ मात्रे, हाँ वो केस का फाइल तो मेरे पास है। हाँ मेरी गाड़ी निकालो, आता हूँ। मल्या साहब सॉरी, मुझे जरा हेडक्वार्टर पहुंचना है। लेकिन चड्डा साहब, सरकारी काम है, जाना ही होगा। ओए हवलदार, सुनो, साहब को चाय कॉफी जो चाहिए दियो। आओ साहब। तुम्हारे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैं रोहन को बाहर निकालूंगा। आई हायर द बिगेस्ट लॉयर। रोहन के केस के लिए आपने मुझे चुना है माल्या साहब, ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। सच कहूं तो अपनी डायरी में आपका नाम लिखकर बस इंतजार कर रहा था आपके बुलावे का। देखिए माल्या साहब, आपने मुझे ना भी बुलाया होता ना, मैं खुद आपसे मिलने वाला था। क्या है कि सरकार ने रोहन के खिलाफ खड़े रहने का काम मुझे दिया है, सो मजबूर इसे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको मैं सही बात बता दूं कि जिंदगी सरकार से नहीं, आप लोगों की बदौलत चलती है। इसलिए रोहन को बचाने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं करूंगा। माल्या साहब, पहली तारीख में हम इस केस को इतना कमजोर कर देंगे कि दूसरी तारीख में ही वो बाहर आ जाएगा। लीजिए माल्या साहब, ये तो बात और बन गई। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं और मिस्टर कुलकर्णी मिलकर सारा खेल जमा देंगे। डिफेंस लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक साथ। अब तो रोहन का बाहर आना बिल्कुल तय है। इसके लिए जितना पैसा लगेगा लगाऊंगा। मैं आप लोगों की फीस से 10 गुना ज्यादा पैसे आप लोगों को दूंगा। लेकिन रोहन पोदार किसी भी हालत में जेल से बाहर
नहीं निकलना चाहिए। लॉर्ड, ये वारदात कैसे और कब हुई ये बात मिस्टर व्यास, अदालत और खुद मेरे लिए अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मिस्टर रोहन खुद इस पर रोशनी डाले। हां मिस्टर रोहन, बताइए उस दिन जो कुछ भी हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह हुआ, बताइए। नहीं नहीं, आप अपना बयान याद करने की कोशिश मत कीजिए, उस झूठ को मेंटेन रखना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बताइए। वो उस रात मैं घर लौट रहा था, हाँ? तो मैंने देखा कुछ गुंडे एक लड़की को जबरदस्ती। कितने लोग थे, कितने गुंडे थे? दो थे शायद। शायद मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप उन्हें ठीक तरह से देख नहीं पा रहे थे, बताइए क्या बात थी? जी नहीं, नजदीकी थे, बताइए ना। दो थे, क्या कर रहे थे, क्या देखा आपने? मैंने देखा कि एक लड़की को जबरदस्ती कर रहे थे, उसे टैक्सी में धकेल रहे थे। मतलब ये कि कुछ गुंडे किस्म के लड़के एक लड़की को जबरदस्ती उठाकर टैक्सी में डाल रहे थे? आपने ये नहीं सोचा कि ये खतरनाक हो सकते हैं, इनके पास चाकू रिवॉल्वर जैसे भयानक हथियार हो सकते हैं, ये नहीं सोचा आपने? उस वक्त जो लड़की चंगुल में फंसी हुई थी वो आपके लिए अजनबी नहीं थी, वो आपकी दोस्त थी, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए आप अपने होशो हवास खो बैठे और उन लड़कों पर टूट पड़े। बताइए काजल आपकी दोस्त थी या नहीं? जी हम एक दूसरे को जानते थे। नहीं, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, मैंने गोली उस पर नहीं चलाई थी। वो गोली आपने उस पर ही चलाई थी, आप उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहते थे, कई दिनों तक उसके साथ मौज मस्ती करने के बाद आप उससे उब गए। This is not true. ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी खूबसूरती, उसके जिस्म की अहमियत आपके लिए खत्म हो चुकी थी, आपका दिल भर गया था उससे, आप उससे अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए आपने उसका कत्ल कर दिया। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं, यही सच है। मलॉर्ड, अब मैं रोहन के खास दोस्त मिस्टर देव माले को यहां बुलाना चाहता हूं। मिस्टर माल्या, आप रोहन के बचपन के दोस्त हैं जी, इनके कैरेक्टर के बारे में आप कितना जानते हैं, इनके कुछ किस्से आपकी भी नजर में आए होंगे, आपने इन्हें कभी समझाने या बदलने की कोशिश की? देखिए, आज मैंने यहां जो भी देखा सुना वो सब गलत है। रोहन ऐसा है नहीं, रोहन ऐसा हो नहीं सकता। गलत? रोहन का यह नया चेहरा आपके लिए अनजाना नहीं है, कुछ हद तक आप इस चेहरे से वाकिफ हैं। 7 मई को रात 2 बजे आप जूहू पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे थे? रोहन की जमानत देने के लिए गया था। पुलिस ने इन्हें अरेस्ट क्यों किया था मिस्टर माले? उसका झगड़ा हुआ था एक गुंडे के साथ, और वजह थी एक लड़की। यह वही लड़की है जिसका कत्ल हुआ है। देखिए, वो लड़की रोहन की बस्ती में रहती थी, वो उसे जानता था, वो उसकी मदद कर रहा था। मिस्टर माल्या, रोहन और उस लड़की के बीच रिश्तों का खुलासा मैं कर चुका हूं। इस केस से जुड़े हुए कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्या मीठी मीठी बातें, बोला चेहरा,
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उस चेहरे के पीछे ऐसा, और आप भी तो दोस्त हैं मेरे, लेकिन फिर भी आपने उसकी गलतियों पे पर्दा डाला। अगर आज वो कटघरे में खड़ा नहीं होता तो मैं कभी नहीं जान पाती उसके बारे में। ही जबलाडी चीट बकवास किए जा रही है तुम, बिना ये जाने बिना ये समझे कि सच्चाई क्या है। उस रात जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह कुछ और थी। हाँ, वो लड़की रोहन की बस्ती में रहती थी। रोहन और वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी थे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन दोनों के बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था। बाईस साल की दोस्ती हम दोनों के बीच, इतने सालों में मैंने कभी उसके अंदर कोई बुराई नहीं देखी। और फिर तुम भी तो उसे अच्छी तरह जानती हो, तुमने उसके कैरेक्टर पर कैसे शक कर लिया? क्या तुमने कभी देखा उसे कुछ गलत करते हुए, या देखा है किसी जुए के अड्डे से बाहर निकलते हुए, या किसी लेडीज बार के सामने देखा है तुमने? चलो ऑफिस में देखता हूँ। जी। तुम ठीक तो हो यहाँ पे? जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। बैठो, सब ठीक हो जाएगा, मैंने सब जमा लिया है। बस तुम्हें कोर्ट में एक झूठ बोलना है। कल पूरी घटना के बारे में जब तुमसे सवालात किए जाएंगे, तुम्हें सिर्फ इतना बोलना है कि ना तो तुम्हारे पास कोई रिवॉल्वर था, ना ही तुमने कोई गोली चलाई। अरे रिवॉल्वर तो थी मेरे हाथ में, गोली भी चलाई थी मैंने। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं ऐसा हुआ है, लेकिन तुम्हें अदालत में झूठ बोलना है। पर झूठ बोल के कैसे सर? एक झूठ बोलकर तुम्हारे सामने कौन सा नरक का दरवाजा खुल जाएगा? यहां तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी ही क्यों? तुम्हें जेल हो गई तो उस लड़की की जिंदगी तबाह हो जाएगी जो तुमसे प्यार करती। पुलिस की चार्जशीट और मिस्टर कुलकर्णी की दलीलों ने जो कहानी बताई है, सच्चाई वो नहीं है माय लॉर्ड। सच्चाई ये है कि मिस्टर रोहन पुद्दार ने लड़की को बचाने के खातिर गुंडों के साथ हाथापाई की, और ये उसमें कामयाब भी होते, क्योंकि गुंडों के साथ हाथापाई में मिस्टर रोहन पुद्दार गुंडों पे भारी पड़ गए, और तभी एक गुंडे ने रिवॉल्वर निकालकर रोहन पुद्दार पर फायर किया। काजल ने उस गुंडे को रोकने की कोशिश की और गोली काजल को लग गई। माय लॉर्ड, रोहन पुद्दार के पास ना तो कोई रिवॉल्वर था और ना ही रोहन पुद्दार ने कोई गोली चलाई। क्यों मिस्टर रोहन पुद्दार, ऐसा ही हुआ था ना? जी हाँ। मिस्टर रोहन पुद्दार, एक बात कह दूं आपसे, जब आपकी केस की फाइल मेरे हाथों में आई, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। आपके पिता स्वर्गीय हरकिशन दास पोद्दार, क्या शख्सियत है उनकी, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इस शहर के लिए। इस शहर में कितने हॉस्पिटल्स और स्कूल्स चलते हैं उनके ट्रस्ट पर। इस शहर के लोगों के दिलों में कितना आदर है उनके लिए। उस वक्त मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतने महान शख्स के बेटे को अदालत के कटघरे में मैं अपराधी के रूप में देखूंगा और मुझे उसको इस अपराध की सजा दिलाने के लिए जिरह करनी पड़ेगी। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ। मैं मानता हूं कि इंसान गलतियों का पुतला है। जिंदगी में गलती और गुनाह हर एक से होता है, मगर गुनाह करने के बाद उसे छिपाना उससे भी बड़ा गुनाह है। अगर तुम अपने पिता की इज्जत करते हो, अगर तुम चाहते हो कि उनकी आत्मा को और चोट ना लगे, हाँ, रिवॉल्वर था मेरे हाथ में और गोली भी चलाई थी मैंने। रोहन पोद्दार को समझना अब अदालत के लिए कोई मुश्किल बात नहीं रही। कत्ल इनसे क्यों हुआ, इसकी वजह मैंने अदालत को पहले ही बता दी है।
रोहन पोद्दार ने खुद को शराबखोर और अय्याश बनाकर एक सामाजिक अपराध तो किया ही है, साथ ही में अपने खानदान की प्रतिष्ठा को कलंकित किया है। इसलिए इन्हें आम अपराधियों से भी ज्यादा कठोर सजा मिलनी चाहिए। That's all your honor. तमाम गवाहों और सबूतों के बिना पर रोहन पोद्दार वल्द हरि किशन दास पोद्दार पर कत्ल का इल्जाम साबित होता है, लिहाजा अदालत रोहन पोद्दार को मुजरिम करार देती है और आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। मिसेस पात्रा, बहुत बड़ा घाव पहुंचाया उसने मुझे। सोसाइटी में शर्म और लानत झेलनी पड़ेगी मुझे। सब जानते थे हम दोनों के बीच दोस्ती नहीं, भाई जैसे रिश्ते थे। मेरी दादी तो उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती थी। उसने इतना भी नहीं सोचा कि अगर दादी को ये सब पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। सांझ सांझ कोर्ट में ऐसी ऐसी बातें सामने आई मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। समझ में नहीं आता एक इंसान इतना भी गिर सकता। रोहन कैसा रोहन था हमारे दिल और दिमाग में और कैसा निकला। अपनी जिंदगी अपने कैरियर में मैंने कभी कोई मात नहीं खाई। बिजनेस में कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। अपनी सोच अपनी अकल से मैंने अपना एम्पायर खड़ा किया लेकिन अपने करीबी दोस्त अपने जिगरी दोस्त को मैं पहचान नहीं पाया। रोहन को पहचानने में मुझे कहां गड़बड़ हो गई। इट्स ओनली यर्स व्हाई टू टू अंडरस्टैंड दैट मैन डैम इट व्हाई यू डैम इट मिस्टर मालिया। देव तुम्हें लगी तो नहीं? देव आर यू ओके? यस सर। प्लीज मिस्टर मालिया आप बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए। मिसेस पात्रा, मिसेस पात्रा मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको बता नहीं सकता मैं इस बात से कितना हर्ट हुआ हूं। देखिए मिस्टर मालिया, आपने अपने दोस्त के लिए बहुत कुछ किया, वक्त दिया, पैसे खर्च किए। अगर वही इंसान गलत निकला तो इसमें आपका क्या कसूर है? मेरी बात मानिए, उसे पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। एंड आई थैंक गॉड मेरी बेटी की जिंदगी बच गई। दोस्त दोस्ती का मतलब समझता हो? वो भी एक लड़की के लिए। जब भी मैंने उससे पूछा कि सांझ और तेरे बीच कुछ है क्या तो बोला नहीं। कुछ है क्या तो हमेशा नहीं।
रास्ता है मुझे दिख रहा है, एकदम साफ खुला मेरे लिए, रास्ता बिल्कुल खुला है, एकदम खुला। Come on girls, move, move. क्या ऑर्डर का है यार, इतना जल्दी बन। सॉरी यार, सॉरी, चलो मूव, जल्दी करो, जल्दी करो। सॉरी बॉस, कोई टेंशन है इसलिए जल्दी खत्म करो भाई। लास्ट बैग है ना? हाँ लास्ट बैग है, तो क्या पूरी रात थोड़ी पिएंगे। ए भाई रुको रुको रुको, ए रोड्रिक्स, अरे क्या बात है, दान जल्दी क्यों बंद कर दिया? अरे कुछ नहीं भाई, रुको रुको, ए लड़कियां दान चालू करो, ए म्यूजिक ऑन कर, चल। सर मगर एसीपी, अरे एसीपी सिंधे है कौन, एक पुलिस वाला है ना। नाम थोड़ा बड़ा है ना, माल थोड़ा ज्यादा। மணிரங்கப்பள்ளி சதனன் ரெடி வில்லேஜ் உலர்பட்டி போஸ்ட் பனியூருவலம் டிஸ்ட்ரிக்ட் செங்கர்வலி ஸ்டேட் ஆந்திரா. சரி சரி சரி, खींच धुआं। सुबह 8:20 की ट्रेन है तेरे मुल्क के लिए, फौरन पकड़ लेना। और हाँ, तेरी सूरत से मिलते जुलते कुछ और लोग भी हैं जिन्हें तू जानता है, उन्हें भी साथ ले जाना, वरना तेरी वजह से वो लोग भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। चल धुआं खींच। वेलकम सर।
ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं यहाँ पर किसी जलसे में हिस्सा लेने नहीं आया, ना ही आप लोग कोई ठेकेदार हैं जो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर पास कराना चाहते हैं। मुझे खुश करने के लिए तोहफे या मालों की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करें, बस उतना ही काफी है मेरे लिए। पुलिस वालों की सिर्फ समाधि बनती है। सर, इस पे साइन कर दीजिए प्लीज। रोहन पोदार गेट्स 14 इयर्स। सर, एक पारगल का मर्डर किया है इसने। पारगल का मर्डर? ये ऐसे कैसे कर सकता है? सर, मैं इससे मिल चुका हूँ और जिस रोहन पोदार को मैं जानता हूँ वो किसी का खून नहीं कर सकता। यकीन ही नहीं आता। उन दिनों नासिक में पोस्टिंग थी मेरी। अबे चिकने, चैन गड़ी जो कुछ भी निकाल। अरे दे रहा हूँ भाई। चल चल बटवा निकाल। ये लो भाई। चैन निकाल, चैन निकाल। अरे नहीं है भाई। कड़का साला। अरे मेरी बात तो सुन। कर दूंगा तेरी तो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, वो तुम्हें लूटना चाह रहा था और तुमने उसे ही बचा लिया। सर, वो लूट के अपना काम ही तो कर रहा था। जिस तरह नर्स, डॉक्टर, वकील, पुलिस वाले सब अपना काम करते हैं ना सर, उसी तरह चोरों का भी अपना ही काम होता है, करते रहते हैं बेचारे। तुम उसे बेचारा कह रहे हो? उसने तुम पर चाकू से वार किया था, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। अगर वो चाकू तुम्हारे हाथ की जगह पेट में लग जाता तो? सर, पेट में कैसे लग जाता, ऊपर वाले की मर्जी ही नहीं थी। अब देखिए ना सर, अगर मेरे पेट पे लग जाता तो मैं मर जाता, और अगर मैं मर जाता तो वो ट्रक के नीचे आके मर जाता। वो क्या है ना, हम दोनों का दाना पानी इस दुनिया में बाकी है सर। मुझे तो इतना मालूम है सर, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ऊपर वाला अपना भी बुरा नहीं करेगा। कमाल की सोच है तुम्हारी। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। आप जैसे लोग अभी भी हैं इस दुनिया में, ये भी बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बातें काफी वजन रखती हैं। सॉरी। अब बताइए, ऐसे रोहन पोदार के हाथों खून कैसे हो सकता है? और अगर हुआ भी है तो क्यों, कहां रखा है उसे? सर, उसे क्राइम ब्रांच में रखा है, कल उसे एल्फिस्टन शिफ्ट करेंगे। मरने का है क्या? तेरे को मरने का है क्या? अरे रास्ता खाली कर। अरे क्या झगड़ा कर रहे हो? गलती से अगर गोली तुम्हारे सीने में लग जाती तो तुम मर जाते। मर जाता तो मर जाता, अच्छा ही होता ना, मुक्ति तो मिल जाती। पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ नहीं देखा मैंने। अगर खुद पे ना गुजरती तो मालूम ही नहीं पड़ता कि जिंदगी कैसे कैसे भयानक खेल खेल सकती है। रोहन, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है उसे ठीक करने का तरीका वो नहीं जो तुम देख रहे हो। पुलिस से भागने का मतलब तुम्हारी परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। अब मैं इसी शहर में हूं, देखता हूं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, भगवान तुम्हारा भी बुरा नहीं करेगा।
जादू इस कदर तेरी यादों में बेखबर ना जागू मैं ना सो सकूं ना हंसू मैं ना रो सकूं किया है जादू इस कदर तेरी यादों में बेखबर ना जागू मैं ना सो सकूं ना हंसू मैं ना रो सकूं कोई बता दे मुझे क्या यही प्यार है क्या यही प्यार है तमाशा बना रखा है यहाँ पे क्या कर रहा था क्या कर रहे हो बस छोड़ो इसे सर ये सड़क पे दारू पी के लड़कियां छेड़ रहा था मगर इस तरह इसे सड़क पे पीटने का क्या मतलब है अमलदार जी सर ले जाओ इसे चले सर ऐसे लोगों को तो सचदेव आइंदा सड़क पर ऐसा तमाशा मत करना वैसे भी हमारी इमेज इतनी खराब है तुम्हें अपनी ड्यूटी सर अपनी ड्यूटी ही तो नहीं समझ पा रहा हूं मैं यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना इस पर अपना कोई बस ही नहीं यहाँ कभी भी कोई भी ऑर्डर पकड़ा दिया जाता है एक एक्सट्रॉशन केस पर मैं काम कर रहा था अचानक मुझसे फाइल ले ली गई और मुझे कहीं और भेज दिया गया सर अभी पिछले दिनों मुझे रोहन पोद्दार केस में लगाया गया था वहां मुझे कुछ चीजें गलत लगी मैंने रिएक्ट किया नतीजा चड्ढा साहब ने उठा के मेरा ट्रांसफर कर दिया आजकल महापौर के बंगले के बाहर दरबान की तरह खड़ा हूं सुबह शाम लोगों को सलाम करने का काम है मेरा
एंटी क्राइम सेल में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ सर। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, करियर में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं। अब तुम मेरे साथ काम करोगे, कमिश्नर साहब से मैं बात कर लूंगा। थैंक यू सर। सर, जैसा आपने कहा था, मैंने लॉयर से बात करके मिस्टर मल्होत्रा की जुडिशियल कस्टडी को 7 दिनों के लिए बढ़वा लिया है। ये ऑर्डर्स हैं। रोहन प्रधान को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उससे मिलने और उसके केस के बारे में जानने के बाद कुछ सवाल दिखाई दिए मुझे। एक तो जब रोहन ने अदालत में बताया कि गवाह लड़की को मारना चाहते थे, तो चड्डा और अदालत ने इस बात को अहमियत क्यों नहीं दी? दूसरा, रोहन लड़की को मारना नहीं बचाना चाह रहा था, तो इस बात को सच क्यों नहीं माना गया? और एक खास बात, रोहन पोदार का केस 2 ही तारीखों में सिमट गया और उसे सजा भी हो गई, जबकि रोहन इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन देव माल्या का खास दोस्त है। पैसे और चालाक वकीलों के दावपेच से केस कई सालों तक चलता है, फिर रोहन पोदार के केस में इतनी जल्दबाजी क्यों? जरूर कोई गड़बड़ है। मैं इस केस को खोलना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि तुम इस केस के विटनेसेस के बारे में जानकारी लो, लेकिन किसी को छूना मत। राइट सर। Yes. मैं ACP राजवीर सिंधिया। हेलो। हेलो। रोहन पोदार के केस के बारे में आपसे कुछ बातचीत करनी थी। Oh, I see. Excuse me, ma'am. ये पेंटिंग कहाँ प्लेस करूँ? On that wall, Shalini. Okay. आप आराम से अपना काम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। That won't be necessary. Please come with me. आपकी शॉप वाकई बहुत खूबसूरत है। Thank you. ये क्या चीज़ है? ये फेंग शुई की चीज़ है। बहुत खूबसूरत है, इसका क्या इफेक्ट है? अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो इसे अपने राइट जेब में रखिए, काम आसान भी हो जाएगा और रास्ते भी खुल जाएंगे। तब तो इसे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, आप इसका बिल बना दीजिए। और हाँ, सांझ को भी बुला लीजिए, आप दोनों से ही बातचीत हो जाएगी। सांझ बेटा। जी। सांझ बेटा, ये है ACP सिंधिया। गुड आफ्टरनून। मेरी बेटी सांझ, आइए बैठिए। बेटा, ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी। मिस सांझ, आप रोहन को कितने दिनों से जानती हैं? मिस्टर सिंधिया, प्लीज सांझ से आप रोहन की बात मत कीजिए, आपको जो कुछ पूछना है मुझसे पूछिए। देखिए, थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी पड़ेगी आप लोगों को, यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है। हाँ तो मिस सांझ, यही कोई 3-4 महीने से। मतलब सिर्फ 4 महीनों में आपका रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि बात शादी तक पहुंच गई? मतलब आप रोहन को पूरी तरह से समझ चुकी थी, उस पर पूरा विश्वास था आपको? हाँ, मगर मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। हेलो। उसने तो कभी। मिस्टर माल्या। हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। सांझ बेटा, मिस्टर माल्या फॉर यू फ्रॉम दिल्ली। हेलो देव, हाय। दिल्ली से बोल रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, आई एम ओके। नहीं देव, आई एम एब्सोल्युटली ओके, बस गले में थोड़ी सी खराश है, ठीक हो जाएगी। ओके, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, बाय। देव माल्या, रोहन ने जिक्र किया था इनका, बहुत अच्छे दोस्त थे ये दोनों। आप रोहन के थ्रू ही इन्हें जानती हैं ना? मेरा मतलब है, रोहन ने मिलाया होगा आप लोगों को। मेरी बेटी मिस्टर माल्या के ड्रीम हाउस का इंटीरियर कर रही है। ओह, वो क्लाइंट है आपके? बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपको।
मिस्टर माल्या ने जरूर आपकी बेटी में कुछ टैलेंट देखा होगा। मिस्टर माल्या को मेरी शॉप बहुत पसंद आई थी और ये भी सांझ ने ही बनाई है। ओह यस, इस शॉप की तो मैं पहले ही तारीफ कर चुका हूँ। मिसेस बत्रा, आपने जो ये मुझे दिया है ना, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। मुझे इस केस में रास्ता दिखाई दे रहा है। थैंक यू। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा आपको परेशान करूंगा। ओके, बाय बाय। सांझ, इनसे मिलना या इनका फोन लेना अवॉइड करो। इनको जो कुछ भी बोलना है बताना है, मैं बताऊंगी। मिस्टर माल्या, आपकी इतनी पुरानी दोस्ती है रोहन के साथ, आप उसके कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानते हैं, फिर आपने कैसे मान लिया कि रोहन ऐसा कर सकता है? देखिए, जब कोर्ट में सब साबित हो गया तो मानना ही था। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ थे। अदालतों में जो रखा जाता है वो कितना सच होता है, ये आप भी जानते हैं। मैं इस केस के बारे में जितना जान पाया हूं, मुझे तो लगता है इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। माना रोहन की गोली से लड़की मरी, लेकिन रोहन ने वो गोली लड़की पर नहीं बल्कि उस गुंडे पर चलाई थी जो उसे मारना चाहता था। फिर रोहन को ऐसी सजा क्यों? शायद आपने इसके बारे में नहीं सोचा। मैंने सोचा था, लेकिन मैंने बताया ना आपको कि कोर्ट में मैं... हाँ, कोर्ट में वकील ने झूठ को सच बना के कुछ इस तरह से रखा होगा कि आप भी उलझ गए होंगे। जाहिर है आप एक शरीफ और खानदानी आदमी हैं, आपका इन चीजों से क्या वास्ता। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जो सच है वो सामने आएगा। गुड, मैं इस केस को वापस खोलने वाला हूं। गुड मिस्टर माल्या। क्या? आपका फोन। सॉरी, थैंक्स। हेलो, पेपर्स को यहां भेजने की क्या जरूरत है? वेरिफिकेशन के लिए सीए के पास भेज दो ना। लगता है आपने रोहन के बाहर आने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी है। यह बात सुनकर आपके चेहरे पर खुशी नहीं देखी मैंने। खुशी? मैं तो अब तक उस परेशानी से निकल नहीं पा रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ वो क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मीडिया, सोसाइटी, बात नाम खराब हुआ है मेरा। न जाने किस गाड़ी में दोस्ती कर ली उसके साथ। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं। आपकी वजह से मीडिया ने इस केस को बहुत उछाला है। आप फिक्र मत कीजिए, एक बार इस केस को खुलने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूं ना, होने वाला है मिस्टर माल्या। गुड, श्योर। हेलो मिस्टर माल्या, आपका नहीं, माय फोन। हेलो, ठीक है तो हम हेडक्वार्टर्स पहुंचकर कमिश्नर साहब से मेरी बात करवाओ। ओके, एक्सक्यूज मी सर। सर, ये दिनार इंटीरियर्स का एक चेक रह गया। दिनार इंटीरियर्स? लेकिन रिमास का पेमेंट तो हो चुका है ना? हाँ सर, दिस द लास्ट चेक, 50 लाख का चेक है, फुल एंड फाइनल। ऑलराइट, क्लियर इट क्विक। है श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके मिस्टर माल्या, मैं फिर से आपको परेशान कर सकता हूँ ना? ऑफ कोर्स, श्योर, इसमें परेशानी की क्या बात है। थैंक यू। माल्या साहब, ओ तुसी बिल्कुल फिकर ना करो माल्या साहब, वो इस केस में अब कुछ नहीं होने वाला। कुशवंत, वो जिस तरह से बात कर रहा था ना, मुझे ये अफसर कुछ अलग ही लग रहा है। सिंधिया, तो क्या किसी के पास ऐसी दुआई नहीं है जो मरे हुए को जिंदा करके बैठा दे, और फिर ये तो दफन हो चुका है। छेटा, तुम जरा मुंह कम खोलो और दिमाग ज्यादा खुला रखो। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो
तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे? सर, मिस्टर दिनियार ऑन द लाइन। हेलो मिस्टर दिनियार। हेलो मिस्टर सिंधिया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यस सर। मिस्टर मालिया का जो मडालेन वाला बंगला है, उसके इंटीरियर का काम आप कर रहे थे? यस सर। तो फिर क्या हुआ, आपने काम बीच में छोड़ दिया? आपके और मालिया के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी? नहीं सर, काम तो मैंने पूरा कर दिया था और मिस्टर मालिया खुश भी थे मेरे काम से। बाद में मैंने सुना कि उन्होंने पूरा तुड़वा दिया, अब दोबारा इंटीरियर करवा रहे हैं। शायद कोई लड़की कर रही है। 4 करोड़ का काम था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर मालिया ने ऐसा क्यों किया। आई कांट अंडरस्टैंड। जाने दीजिए दिनियार साहब, अक्सर बड़े लोगों की बातें समझ में नहीं आती। मिस्टर दिनियार, हमारे बीच में जो बातचीत हुई है, ये किसी से ना बताइएगा, ओके? डोंट वरी। थैंक यू। सचदेव। यस सर। रोहन की कहानी में मालिया साहब का कैरेक्टर कुछ ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। पिछली 5-6 हिंदी फिल्में जो मैंने देखी हैं, उन सब में जो कुछ भी हो रहा है, एक लड़की की वजह से हो रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि हमारे फिल्म वालों को नई कहानियां नहीं सोचती, लेकिन वो बिल्कुल सही है। रोहन के केस का सेंटर पॉइंट भी तो लड़की ही है। मिस्टर मालिया, ये लो बेटा। थैंक यू मां। मिसेस बात्रा, मैं सांच को अपने साथ एक फंक्शन में ले जाना चाहता हूँ। अगर आप परमिशन दे तो। इसमें मेरी परमिशन लेने की क्या जरूरत है मिस्टर मालिया? बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। एक्चुअली मिस्टर मालिया, मैं तो चाहती हूँ कि आप ऐसे मौकों पर इसे अक्सर ले जाया करें। बेसिकली शी इज अ वेरी शाय पर्सन। मम्मी, देखो बेटा, सोसाइटी में मिलना जुलना रहना चाहिए, उसी से जान पहचान बढ़ती है। राइट मिस्टर मालिया? राइट। नाउ गेट अप एंड गेट रेडी फास्ट। सांच, मैं तुम्हारे लिए एक आउटफिट ले आया हूँ। चाहता हूँ ये पहनकर मेरे साथ तुम फंक्शन में चलो। Come on, take it. सोच क्या रही हो बेटी? Take it and get ready fast. Thank you. Thank you. Congratulations. My pleasure, Mr. Smith. My pleasure. मिस्टर मालिया। हेलो मिस्टर सिंधिया। हमें पुलिस वाला होने का यही फायदा है, पार्टीज के इनविटेशन आते रहते हैं। जी। हेलो मिस सांच। हेलो। हम मिल चुके हैं इन्हीं की शॉप पर। मिस सांच, आप घबराइए मत, मैं यहां पर रोहन के बारे में कुछ बात करने नहीं आया। मिस्टर मालिया, हम पुलिस वालों की बस यही प्रॉब्लम है, जहां भी जाते हैं लोग सोचते हैं कि हम इंस्पेक्शन या इंक्वायरी करने आए हैं। जी। अरे भाई, हमें भी हंसना मुस्कुराना अच्छा लगता है। जी। अब देखिए, हम किसी एंगल से आपको पुलिस वाले लगते हैं? जी नहीं। आप विस्की पीते हैं ना? जी। प्लीज। थैंक यू। लगता है आपने सांझ को कोई मजेदार जोक सुनाया था, इसलिए ये खिल खिलाकर हंस रही थी और मैं देख रहा था कि आप इनको हंसता देखकर बहुत खुश हो रहे थे। Cheers. Cheers. मिस्टर मालिया, सांझ के दिल की हालत मैं समझ सकता हूं। इनके साथ जो हादसा हुआ है, उसे बाहर नहीं निकल पाई हैं ये। मैं भी ऐसे एक हादसे से गुजर चुका हूं और उसका असर अभी तक मेरे दिल में है। मिस्टर मालिया, जो पहला प्यार होता है ना, उसको आदमी भूल नहीं पाता। Right. सांच, तुम रोहन को अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाओगी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप रोहन को पहली बार कहां मिली थी? मिस्टर सिंधिया, प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या करूं, पुलिस वाला हूं ना, केस को अपने दिमाग से बाहर निकाल ही नहीं पाता। एक्सक्यूज मी।
आई ओके? सिंधिया साहब, एक फोटो प्लीज। व्हाई नॉट? एक मिनट, हमारी भी एक ऐसी तस्वीर छपनी चाहिए ताकि लोग समझे कि हम भी उन जैसे हैं। थैंक यू सर। Oh God, that was fun, huh? You okay? अरे तुम लोग भीग कर आ रहे हो? जरूर सांझ ने जिद करके भिगोया होगा। नहीं, इसे भीगना बहुत पसंद है, आप मना कर देते। नहीं, सांझ ने मुझे नहीं भिगोया, दरअसल मैंने ही सांझ को। अच्छा मॉम, प्लीज मेक सम कॉफी फॉर अस, और इनके लिए जरा स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाइएगा, इनको भीगने की आदत नहीं है। अच्छा माँ, मैं चेंज करके आती हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी। काफी दिनों बाद मैं सांझ को इतना खुश देख रही हूँ। सांझ को इस हादसे से बाहर निकालने में आपका बहुत बड़ा हाथ है मिस्टर मालिया, वरना इस उम्र में अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो जिंदगी में। सांझ की जिंदगी इतनी सस्ती और कमजोर नहीं कि कोई भी उसे आसानी से चोट पहुंचा सके। I'm sorry. Mrs. Batra, अगर आप मुझे इस काबिल समझती हैं तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बहुत खुशकिस्मत है मेरी बेटी, ये प्रपोजल देकर आपने मेरी जिंदगी बहुत आसान कर दी मिस्टर मालिया। माँ, मिस्टर मालिया एक बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, और मैंने कभी भी उनके लिए। एक रिश्ते के लिए और क्या क्वालिटीज चाहिए किसी के अंदर? तुमने कितनी बार कितने मौकों पर मिस्टर देव मालिया की तारीफों के पुल बांधे हैं, जब उस इंसान में सब अच्छाइयां हैं तो फिर? माँ, किसी के अच्छे होने का, किसी का अच्छा होना ही सब कुछ है। शादी कोई चंद दिनों की मौज मस्ती नहीं है, पूरी जिंदगी का खेल है, और इसीलिए ये फैसला कि जिंदगी किसे सौंपी जाए बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। ये गलती मैं कर चुकी हूँ बेटी, और उस एक गलती की वजह से मैं सारी जिंदगी झुलसी हूँ। बेटी, अपनी जिंदगी उसके साथ मत जोड़ो जिसे तुम प्यार करती हो, उसके साथ जोड़ो जो तुम्हें प्यार करता है। और मिस्टर देव मालिया तुमसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार। सांझ, सांझ, शादी का मतलब समझती हो ना? जिंदगी भर का साथ। मुझे अपनाने की वजह कोई दबाव तो नहीं है ना सांझ? तुम चाहती हो ना मुझे? अगर हाँ तो इसका जवाब मैं तुम्हारी धड़कनों में सुनना चाहता हूं। हम लोग पहुंच जाएंगे, सब कुछ तैयार रखना। ओवर। मास्टर जी ने उसके कान पकड़े और उसे कहा कि आइंदा ऐसा मत करना, लेकिन उसका चेहरा देखने लायक था। अरे देव बेटा।
अच्छा हुआ तुम आ गए. पता है मैं चाह ही रही थी कि तुम आओ और इनसे मिलो. मालूम है मैं आज बाबुलनाथ मंदिर गई थी ना, वहाँ की लिफ्ट ही नहीं चल रही थी. ये मुझे लेकर गए और दर्शन करवा लाए. बातों बातों में पता चला कि ये ACP हैं. अगर मैं इनसे नहीं मिलती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि पुलिस वाले हंसते भी और मजाक भी करते जी दादी. इससे मिलो, ये है मेरा पोता. दादी दादी जी, हम दोनों मिल चुके हैं, बैठिए. तुम मिल चुके हो, तुमने बताया नहीं. दादी जी मुझे पता ही नहीं था कि ये देव मालिया का घर है. वो मैं रोहन पोदार का केस रीओपन कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं. वो दोस्त नहीं था इसका, इससे मुझसे और इस घर से उसका कोई लेना देना नहीं है. दादी जी मुझे रोहन पोदार के साथ रिश्ता हमारे लिए एक शर्मनाक हादसा था जिसे हम भूल चुके हैं. दादी दादी नहीं, मिस्टर सिंधे प्लीज इस टॉपिक पर और बात मत कीजिए. दादी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि रोहन का जिक्र करने से आपका दिल इतना दुखेगा, लेकिन मुझे एक बात का यकीन हो गया कि आप उससे बहुत प्यार करती हैं. किसी के लिए नफरत इतनी गहराइयों तक अगर उतर जाए उतनी गहराइयों तक उससे प्यार भी होता है. दादी जी से मिलने के बाद अब इस केस की अहमियत मेरे लिए और बढ़ गई है. मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि क्राइम करते वक्त रोहन को दादी जी का ख्याल करना है. I'm sorry. मैं चलता हूं. सर इसे गन्या बोलते हैं, पूरा नाम है गणपत पावले. बार में डांस करने वाली लड़कियों की दलाली करता है. ये है जाकिर, यूपी का है. कहने को तो टैक्सी चलाता है लेकिन काफी उल्टे सीधे कामों से भी जुड़ा है. और ये है मोंटी डिसूजा, एक बार की सिक्योरिटी देखता है और दो तीन लफड़ों से भी इसका नाम जुड़ा हुआ है. मतलब कोर्ट में जिनको सरकारी गवाह बनाकर खड़ा किया गया है वो क्रिमिनल्स हैं. खेल बहुत इंटरेस्टिंग है और खींचने के लिए एक तार भी मिल गया मुझे. देखो जी सिंधिया जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं. आप यहां बैठे हैं इस बात की बड़ी खुशी है खुशवंत को, पर आप जो गल कह रहे हैं ना वो मेरी समझ में नहीं आई. केस आया, चार्जशीट बनी, कोर्ट ने फैसला दिया, फाइल गई रिकॉर्ड रूम में और हम लगे दूसरे केस में. हैं जी, क्यों जी, करेक्ट है ना जी. वो साढ़े बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाओ, नवी गल सोचो. तुसी ये बताओ, तुसी ये फाइल क्यों खोलना चाहते हो? मैं ये फाइल खोलना चाहता हूँ क्योंकि इसके खुलने के बाद बहुत कुछ खुल जाएगा. सिंधिया साहब, वो तुवाड़े भी कॉन्फिडेंस का जवाब नहीं. फाइल अजे मिली नहीं है और तुसी रिजल्ट तक भी पहुंच गए. खुशवंत सिंह जी, कॉन्फिडेंस नहीं, ऐ ता साडा स्टाइल है. असी ते रिजल्ट कढ़न तो बाद ही साडा काम शुरू कर दे हैं. सिंधिया साहब, ता फिर तुसी मनु चंगी तरह जानते नहीं हो. खुशवंत केस अंदर अपना काम इन्ना पक्की तरह करता है कि ढूंढने से भी सुराग नहीं मिलता. तुसी टीवी ते वो एड देखिया है, फेवी कोल का जोड़ है, जितना मर्जी जोर लगा लो टूटेगा नहीं. वाह 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 वाह, लेकिन खुशवंत सिंह जी तुसी मेनू चंगी तरह नहीं जानते. रोहन पोदार दे केस दी फाइल बहुत जल्द मेरे हाथ लगन वाली है. ओदे केस दे रीओपन दे ऑर्डर मैं थे फाइल लैनी है. मैं तो ऐ देखन आया सीगा कि तुसी ऐ गल सुन के रिएक्ट किदा कर दे हो. ठंडा मैं अपने लिए नहीं, थोड़े लिए सद्या सी, क्योंकि मैं पता सी
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੇਕਿਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੋ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਹੇ ਜਾਕਰ, ਹਾਂ ਬਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਆਤਾ ਹੂੰ, ਸਵਾਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਰ, ਆਪਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ। चलो, मर गया साला, बॉडी पड़ी रहने दो, ये अपना एरिया नहीं है, मलाड़ वाले जाने। मिस्टर चड्ढा, मेरी ये समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा किया क्यों, आपने गवाह को मरवा दिया। ओए व्यास, और तुसी वकील होकर कैसी गल कर रहे हो, और तुमको पता नहीं है उस सिंधिया को केस रीओपन करने के आर्डर मिल गए। आया था थाने में आर्डर लेके, ऐसे में गवाह को जिंदा रख के मुझे माल्या साहब को फंसाना है क्या? केस रीओपन अब तक तो नहीं हुआ था, मगर इस गवाह के मारे जाने से जरूर ओपन होगा, और इसी पॉइंट को लेकर ये सिंधिया ऑर्डर्स निकलवा लेगा। उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए नकली ऑर्डर्स दिखाए और आप कंफ्यूज हो भी गए, मरवा दिया मोंटी को। वो नकली ऑर्डर थे, बेवकूफ बना गया मेरे को। तुसी फिकर ना करो, माल्या साहब मेरे... Shut up. मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुंह कम और दिमाग ज्यादा चलाओ, मगर तुम्हारी क्या गलती, जितना है उतना ही चलाओगे ना? रोहन पोदार केस से जुड़े एक गवाह के मारे जाने के कारण ये केस एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। शहर के माने हुए बिजनेसमैन मिस्टर देव माल्या के दोस्त रोहन पोदार को एक बार गर्ल के कत्ल के जुर्म में सेशन कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले उम्र कैद की सजा सुनाई है। शहर के नए एसीपी मिस्टर सिंधिया ने इस केस में पुलिस की भागीदारी पर सवाल उठाया है और इस केस को दोबारा ओपन करने की मांग की है। ऐसे में एक अहम गवाह के मारे जाने से इस केस को एक नया रुख मिलता है। ओ खुशवंत सिंह जी, की हाल है थोड़ा? कौन बोल रहा है? ओ जी, ओही बोल रहे हैं जिदी वजह नाल थोड़ियां दिल दियां धड़कना तेज हो गई हैं ते दिमाग बिल्कुल आउट हो गया। सिंधिया, बल्ले बल्ले, तुसी ता मेरी आवाज तो ही मैनू पहचान लिया, लगदा है तुसी मेरे नाल बड़ा प्यार करदे हो। अजी असी ता थानू थैंक यू करन लिए फोन किता सी। ओ किस गल का थैंक यू? ओ जी, तुसी मोंटी नू मार के साडा काम ही बड़ा सिंपल करता, हुण असी एही पॉइंट लेके केस रीओपन करांगे। केस रीओपन करके भी तुम कुछ नहीं कर सकोगे? ओए, ऐ की हो गया, तुसी पंजाबी भूल गए? मैं पंजाबी में तो गल कर रहा हूँ, मैं पंजाबी में ही तो गल कर रहा हूँ। केस रीओपन करके भी तुम कुछ नहीं कर सकोगे। ओ खुशवंत सिंह जी, होना कख भी नहीं, सिर्फ थोड़ियां वर्दियां बदल जानी है, थोड़ी पुलिस दी वर्दी लथ जुगी ते कैदी दी वर्दी पालोंगे, लेकिन असी थोड़ी सर्विस किचन विच कर दांगे, ओथे तुसी अपनी मुच्छां नू ताव दे के आटा गुंदे रहे हो ते रोटियां बेलदे रहे हो, हुण साडी डील होगी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨੂੰਗਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਗਾ। ਐ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਬਤਾ ਕਹਾਂ, ਬਤਾ ਕਹਾਂ, ਬਤਾ ਕਹਾਂ। ਸਰ, ਮੈਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਲੋਗ ਯਹਾਂ 15 ਦਿਨ ਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। गए किधर? ये लोग नहीं मिले ना, नौकरी तो जाएगी, साथ में जेल भी जाना पड़ेगा। हैं,
यस सर, अभी तक ढूंढ रहे हैं। वो दोनों मुझे चाहिए, ढूंढो ना फिर। सर, वो लोग यहाँ भी नहीं है। ओ शिट! ओ, की होया? कुछ पता चलिया? नहीं सर, हमने गवाहों को सभी ठिकानों पर ढूंढा, लेकिन वो कितने बढ़ गए भाई, ये जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। नहीं सर, अपन को मोहिनी की मौत नहीं मरने का, अपन कोर्ट में गवाही देने को तैयार है। हेलो, होम मिनिस्टर साहब हैं? हाँ जी, एसीपी सिंधिया साहब बात करेंगे जी। एक मिनट सर, टेलीफोन लग गया। हेलो सर। यस मिस्टर सिंधिया, रोहन पोद्दार के केस की फाइल मैंने देख ली है और इस केस को रिव्यू करने के लिए आपने जो पॉइंट्स रखे हैं वो मुझे बिल्कुल जायज लगे। कल ही आपको इस केस को रीओपन करने के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ गो अहेड। थैंक यू सर। या आई एम विथ यू, ऑल द बेस्ट। रोहन सर, आप कोर्ट में तुम्हारे केस की अपील मंजूर हो गई है। इसी महीने की 13 तारीख को सुनवाई है। एक मिनट, बोले मुबारक हो आपको भी सर, और तुम्हारा फैसला भी इसी तारीख में होगा। मैं कोर्ट के सामने ऐसी सच्चाई रखने वाला हूँ जिसके जानते ही कोर्ट अपने फैसले पर शर्मिंदा हो जाएगा और तुम्हें बाइज्जत रिहा करेगा। सर, मैंने तो जिंदगी की हर उम्मीद छोड़ दी, आपने जान फूंक दी मेरे अंदर। मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम पर कोई एहसान नहीं। हमें ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि कानून की किसी भी गलती से भले कोई गुनहगार बच निकले, लेकिन बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। इन पेपर्स पर साइन करता हूं। जजमान, सगाई के मुहूर्त का योग इसी सप्ताह बन रहा है। दिन बुधवार 13 सितंबर शाम 7:39 का मुहूर्त बहुत शुभ है। Yeah, David, I think so too. Yeah, it's definitely the 13th of September. Mubarak ho, Mr. Mallya. Thank you. Up. आप बहुत जल्द शादी के खूबसूरत बंधन में बनने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत खुश नसीब हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनका प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचता है। खैर, मैं तो आपकी खुशी को डबल करने आया हूं। 13 सितंबर की शाम को आपकी सगाई है और सुबह आपके दोस्त रोहन के केस की सुनवाई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस खुशी के मौके पर आपका अजीज दोस्त रोहन भी शामिल होगा। मिठाई खाइए मिस्टर मालिया, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। मालिया साहब, कैसा लग रहा है आपको ये सब कुछ सुनकर? आपने कुछ कहा नहीं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको जी। आप तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। मिस्टर मालिया, ये तो कुछ भी नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब सांझ को पहनाने के लिए आपके हाथ में सगाई की अंगूठी होगी और मैं रोहन को लेकर वहां पहुंचूंगा। भाई, उस वक्त आपका क्या हाल होगा, आप कैसे संभालेंगे अपने आप को? अरे 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 अरे, लगता है आपके मिठाई फंस गई। ओके, थैंक्स, थैंक्स। एनीवे मिस्टर मालिया, 13 सितंबर को मिलते हैं। श्योर, श्योर। और हाँ मिस्टर मालिया, अब मुझे यह बोलने की जरूरत नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो होने वाला है। इस
वक्त जरूरत है होश में रहने की, और तुम लोग सारे शराब पी रहे हो। जानते हो कितने पैसे दिए मैंने तुम्हें? जानते हो ना? मलिया साहब, छह गोली है उसमें, दो दो गोली तुम तीनों के हिस्सों की। मेरी सगाई में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। खुद की तारीख तुम लोग कैसे आगे ले जाते हो वो तुम जानो। अगर अगर मेरे खेल में कोई गड़बड़ हुई तो मैं जेल तो जाऊंगा ही, लेकिन तुम तीनों को जान से मार के सुकून के लिए यही रास्ता बेहतर है। ये लीजिए सर, सरकारी वकील ने अपना पैतरा खेल दिया। मेडिकल लगाकर उन्होंने कोर्ट की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की है। पैरालिटिक स्ट्रोक की वजह से उनके जिस्म का दायां हिस्सा काम नहीं कर रहा है। इस हाथ में रिवॉल्वर उठाने की जान कहां से आई? मेडिकल रिपोर्ट में पैरालिटिक स्ट्रोक के बाद यह हाथ नाकाम हो चुका है। शुगर 200 से ऊपर है, जो तुम्हारी किडनी के लिए ठीक नहीं। 110 से नीचे तुम्हारा ब्लड प्रेशर नहीं होता, जो तुम्हारे दिल और दिमाग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसे में विस्की पीने का मतलब समझते हैं आप? देखो तुम ये जो डॉक्टर वर्मा, मिस्टर कुलकर्णी का चेकअप कीजिए और इन्हें बताइए कि इन्हें कहां कहां और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मुझे जानते नहीं, एक एक को देख लूंगा। छोड़ो मुझे, ये क्या लगा रखा है? शहर के सबसे बड़े लॉयर को चट्टी में लगा रखा है, ये क्या कर रहे तुम लोग मेरे साथ? सरकारी खर्चे पर तेरा मेडिकल चेकअप करवा रहा हूँ, कहीं तू भी सरकारी वकील की तरह झूठी रिपोर्ट लगाकर तारीख ना बढ़वा ले। ये सब गलत कर रहे हो तुम सिंधिया, मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाकर क्या करेगा? कोर्ट में क्या करेगा तू? कोर्ट में हाँ क्या करेगा? झूठ और फरेब का खेल बहुत खेल लिया तूने, अब तुझे मैं उसी कोर्ट में नंगा करूंगा। नंगा? रोहन पोदार की चार्जशीट देख लिया मैंने, उसे बचाने के लिए तूने जो दलीलें रखी हैं सब जानता हूं मैं। तू अदालत में रोहन पोदार को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे फंसाने के लिए खड़ा था। इस केस में तूने सरकारी वकील का साथ दिया है। अरे तू एक ऐसा डॉक्टर है जिसने अपने ही मरीज को जहर देकर मार डाला। साइन कर। कोर्ट की तारीख
और फैसले तक शहर से भागने की कोशिश मत करना, वरना तेरी मौत के बाद कोर्ट से एक तारीख मुझे लेनी पड़ेगी। मिस्टर सिंधिया, देव माल्या। हाँ बोलिए माल्या साहब, कैसे याद किया? मैं सोच रहा हूं ये लुका छुपी का खेल बहुत हो गया, क्यों ना एक बार खुलकर मिले, बेहतर होगा। मुझे मालूम था कि आपके यहां से इस तरह का फोन आने वाला है। अच्छा बताइए, कब्र कहां मिलना है? मालिया साहब, आपकी ये अदा मेरी समझ में नहीं आई, मिलने के लिए ये जगह क्यों चुनी? ऊंचाइयों पर खड़े रहकर बात करना अच्छा लगता मुझे। अच्छा शौक है आपका, फरमाइए। रोहन के केस से हाथ खींचने का क्या लोगे? कितना चाहिए बोलो। मैं जानता था कि मैं आपको एक दिन इस हालत में लाके खड़ा कर दूंगा। आपने अपनी बाजी खेल ली मिस्टर मालिया, अब कानून अपनी बाजी खेलेगा। कानून? क्रेजी सिंधिया, ये बाजी खेलकर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। जिंदगी में आज तक मैं हारा नहीं और जीतूंगा मैं अब भी। देव माल्या से हाथ मिलाओगे तो नुकसान से बच जाओगे। हार तो तुम्हारी हो चुकी है मिस्टर मालिया, सिर्फ घुटने टेकने बाकी हैं। कानूनी कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई, वरना यह काम भी अब भी हो जाता। सिंधिया, तुम्हें पता नहीं तुम किससे उलझ रहे हो। पता है मुझे, बहुत बड़ी ऊंचाई पर एक गिरा हुआ इंसान खड़ा है मेरे सामने, जिसने एक लड़की के लिए अपने दोस्त की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और यह सब तूने अपने पैसे की ताकत पर किया है। मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं, मैं पुलिस की नौकरी 14,229 रुपए के लिए नहीं कर रहा। रायगढ़ के महाराजा वीरेंद्र प्रताप सिंधिया का मैं इकलौता वारिस हूं। जितनी तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, उतनी जगह पर सिर्फ हमारे घोड़े पलते हैं। मिस्टर माल्या, अब आप अपनी दौलत के नशे से बाहर निकलिए और जेल की जिंदगी जीने की आदत डालिए, क्योंकि जेल में देव मालिया हो या फकीर, दोनों को सोने के लिए 6x3 की कोठरी और एक जैसा कंबल मिलता है। और हां, झूठ और फरेब से जो जितनी भी ऊंचाई पर खड़ा होता है, उसे एक दिन उतना ही नीचे देखना पड़ता है। तुम्हारे साथ यही होगा। और हां, कहने की जरूरत नहीं, आप जो कह रहे हैं वो होने वाला है। राइट राइट, गुड। मिस्टर सिंधिया, कैसा लगता है ये सुनकर के क्राइम ब्रांच के स्पेशल सेल में एक ब्लास्ट हुआ है और वहां पे बंद दो कैदियों के अलावा एक ऑफिसर मारा गया और एक पुलिस कांस्टेबल अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। ये खबर कल के हर अखबार की सुर्खियों में होगी और टीवी चैनल्स की हेडलाइंस में, और ये जो कुछ भी हुआ है ये आपके जुनून और काम करने के नायाब तरीके का नतीजा है। और मेरी गलत ये है कि मैंने आपकी हर बात को माना और आपको स्पेशल अथॉरिटीज दी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब आपने दोनों क्रिमिनल्स को स्पेशल सेल में रखा ही था तो वहां की सिक्योरिटी के लिए मिस्टर शिंदे की मदद लेने में आपको क्या प्रॉब्लम थी? आपने इनके साथ कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया? सर, मेरे साथ जो ऑफिसर्स थे वहां की सुरक्षा के लिए काफी थे, इसलिए मैंने जरूरी नहीं समझा। एसीपी सिंधिया, जो जरूरी था उसे आपने जरूरी नहीं समझा, लेकिन अब आप ये तो समझ रहे हैं ना कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी आप पर आएगी। ये कैसे हुआ, किसने कराया, इस पर इंक्वायरी बैठेगी
और फाइल बनेगी जिसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा, लेकिन आपके ट्रांसफर की कार्रवाई 3 दिन में पूरी हो जाएगी। और आज तक जो आपके साथ नहीं हुआ है वो होगा। आपको अपना यह केस अधूरा छोड़कर जाना पड़ेगा। हेलो सर, मोहिले बोल रहा हूँ। हाँ बोल मोहिले। मात्र को होश आ गया सर। ठीक है, उसके कमरे में किसी को जाने मत देना, मैं भी आया। हेलो मिस्टर सिंधिया, आई सेड हेलो, माफ कीजिएगा मिस्टर सिंधिया, अपॉइंटमेंट लिया बिना ही आपसे मिलने आ गया। ये वक्त भी कैसे कैसे रंग बदलता मिस्टर सिंधिया। कल तक आपके हाथ में ऐसे कार्ड्स थे जिनसे आपका जीतना बिल्कुल तय था, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। मेरी सगाई में रोहन को लाने की ख्वाहिश अब पूरी नहीं होगी आपकी, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप सगाई में जरूर आए। इस खेल में जीत की खुशी तो कई बार देखी है मैंने आपके चेहरे पर, लेकिन हार के बाद ये चेहरा कैसा लगता है वो देखना चाहता था मैं। मिस्टर सिंधिया, देव माले से हाथ मिलाने का कितना फायदा हो सकता है शायद ये आपको मालूम नहीं, लेकिन हाथ न मिलाने से कितना नुकसान हो सकता है वो शायद आप समझ गए होंगे। रोहन पोद्दार केस के दो गवाह मारे जाने पर एसीपी राजवीर सिंधिया ने आज एक सनसनीखेज बयान दिया। मैं जिस बात को बोलना नहीं चाह रहा था बोलना पड़ रहा है मुझे। पहले ब्लास्ट के बाद कांस्टेबल मांत्रे सेल में गए और गवाहों को उन्होंने बाहर निकाला। दूसरे ब्लास्ट में मांत्रे जख्मी हो गए, लेकिन इंस्पेक्टर सोलंकी उन गवाहों को एक सेफ जगह पर ले गए और अब वो गवाह जिंदा है और हमारी कस्टडी में है। मात्रे ने मरने से पहले अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। सर, पहला धमाका जब ही हुआ बहुत धुआं था, देखते ही देखते और गवाह इसलिए बच गए क्योंकि रोहन पोद्दार को मरना है। आप परेशान क्यों हैं सर? इस ब्लास्ट में भले ही हमारे दो लोग मारे गए, लेकिन हमारे दो गवाह तो सुरक्षित हैं रोहन पोद्दार केस के लिए, जिनका बचना हमारे लिए निहायत ही जरूरी था। वो गवाह मारे जा चुके हैं सर। मरने से पहले मात्रे से ये झूठा बयान मैंने ही दिलवाया था। मगर सर, इस झूठ से फायदा क्या होगा? फायदा होगा गवाहों के बचने की खबर माले से एक और गलती करने की वजह बनेगी, और यही गलती कोर्ट में हमें फायदा पहुंचाएगी। बस आगे का हमारा जो प्लान है उसकी खबर माले तक पहुंचनी चाहिए। सर लेकिन अपना प्लान क्या होगा?
मैं जानता हूं रोहन को मारने का काम तुझे मालिया ने दिया था। तू बोलेगा यहां पर भी और कोर्ट में भी। तू नाम लेगा मां ले या संभाल के लेके आओ इसको। ले आओ ले आओ। माथुर साहब जी दादी माँ ध्यान से रखो इसको। पन्ना लाल का आदमी आया नहीं? हाँ बस आता ही होगा दादी माँ। और ब्राह्मण ने जो सामग्री बोली थी वो? हाँ मैंने बोल दिया बस अभी आ जाएगा। अरे अभी क्या आ जाएगा, इतने सारे मेहमान आ गए हैं और मुहूर्त को सिर्फ आधा घंटा बाकी है। सांझ। हाँ? सांझ चलो मुहूर्त का टाइम हो गया। एक्सक्यूज मी कम ऑन। पंडित जी चलिए चलिए। पंडित जी चलिए। पंडित जी मंत्र वंत्र जो भी शुरू करना है शुरू कीजिए जल्दी। अरे यजमान पहले जूते तो उतार लीजिए, अभी मुहूर्त का समय नहीं हुआ है। देखिए अभी 39 मिनट बाकी है। मुहूर्त का समय शुरू हो गया, अभी आपको जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए जल्दी। मगर ये तो गलत है यजमान, मुहूर्त से पहले वेदी पर बैठना अशुभ माना जाता है। आप दोनों की सगाई हो रही, कहीं कुछ गलत हो गया तो? क्या गलत है क्या सही है मैं जानता हूँ, मंगनी मेरी हो रही है ना, आप शुरू कीजिए प्लीज। देव ये क्या कर रहा है, मुहूर्त के पहले बेदी पे बैठ गया? दादी मैं बिल्कुल ठीक मुहूर्त पर बैठा हूँ, मैंने बनारस फोन करके शास्त्री जी से बात कर ली है। वो क्या मुझे डैडी की सगाई का समय याद आ गया ना, उन्होंने भी शाम को 7:39 पर शादी की थी और अब जानती है उन्हें कितनी प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैं 39 पहले ही। अब मेरा मुँह क्या देख रहे हैं, आप अपना काम शुरू कीजिए प्लीज। ओम गणानांतः गणपतिर्नमोहे प्रियानांतः प्रियपतिर्नमोहे ओम अपवित्रः। सांझ अपना मोबाइल बंद करो एंड कॉन्सेंट्रेट या प्लीज। बेटा तू कर क्या रहा है? दादी जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, चलिए लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः। गिव मी ऑयल। यजमान ये क्या कर रहे हैं, ये मेरा काम है आपका काम नहीं है। वो ठीक आप चालू रहिए चलिए। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरीके सर्वं चापिके। तुमने जिन लोगों को काम पे लगाया था उनमें से कुछ ऊपर जा चुके हैं, कुछ लॉकअप में हैं, और ये तुम्हारे सामने है। इसने तुम्हारा काम तो पूरा नहीं किया लेकिन इसका काम हो गया। अब ये बोल सकता है और ये बताएगा कि इसको हॉस्पिटल में किसने भेजा। अरे चमत्कार हो गया। माल्या मैं अपना किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूं। रोहन
दादी जी, देव माल्या ने रोहन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाई। सांझ को पाने के लिए रोहन पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे जेल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल में रोहन को मारने के लिए इसने अपने आदमी भेजे। इसके खरीदे हुए लोगों ने रोहन के नाम के साथ ऐसी गंदगी जोड़ दी कि आपको और सांझ को रोहन से नफरत हो गई। इसे पैसे के दम पर अपना पूरा खेल जमा लिया और आज इस वक्त जहां रोहन को बैठा होना चाहिए था वहां पर ये खुद बैठ गया। वाह सिंधिया वाह, अच्छी स्टोरी बना लेते हो तुम। मेरे साथ नाम जोड़कर नाम कमाना चाहते हो दादी? अब मैं समझी कि मुहूर्त के पहले तू क्यों सगाई करना चाहता था। सांझ को अंगूठी पहनाने की जल्दी तुझे क्यों थी? दादी तो मुझे रोहन और सांझ के साथ अब तक जो भी कुछ हुआ एक एक करके सब याद आ रहा है मुझे। छी, कितनी नीच और गिरी हरकत की है तूने। एक लड़की के लिए अपने भाई जैसे दोस्त को तूने, देव तूने अपनी खुशी के लिए रोहन की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और मैं जिसने तुझे माँ बाप बन के पाला, मुझे धोखा देते हुए तेरा दिल नहीं कांपा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तेरा ये रूप देखूं। क्या यार, एक बार अपने यार से दिल की बात तो बोली होती, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अंधा हो गया तो मैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मुझे सिवाय सांझ के। सारे रिश्ते बुला चुका था मैं, गुनहगार हूं मैं तेरा, सांझ का, कानून का। सांझ तेरी है और उसका प्यार भी तेरा है। सांझ प्लीज, सॉरी देव। अब तुम्हारी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं चाहिए वरना कुछ भी हो सकता। सांझ मेरी है और मेरी ही रहेगी। जाने दो मुझे यहां से, मेरे सर पर जुनून सवार है। कुछ भी हो सकता, कुछ भी। देव, ये क्या कर रहे हो? दादी
उधर दादी जी को देख। जिन आंखों को तूने आंसू दिए हैं, आज वही आंखें तेरी जान की भीख मांग रही हैं। ले चलो इसे, चल चल।